शो हो रहा है क्या आपने पिक्चर शो तो हो रहा है लाइव कर दो यस yes. आ जाओ जी सरकार सभी लोग वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू वचो सो फाइनली दिस इज विजय सार्डा फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी Uh, मैं आप सभी से दो बातें बड़े प्यार से करना चाहूँगा और वो ये है कि मेरे घर पे ऑलरेडी मेडिकल कुछ इश्यूज चालू है बट उसके बाद बावजूद भी मैं लेक्चर लेने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ क्योंकि कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट ये हमको बहुत अच्छे से समझता है और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे हैं एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू सभी लोगों के लिए कल के लिए एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माई साइड एक्चुअली मेरे डैड का तबीयत थोड़ा सा नरम गरम चल रहा है और उसके लिए उनको मेरे पास वहाँ रहना ज़रूरी था आज भी सिचुएशन सेम ही है बट ठीक है मैं यहाँ पे आप सभी के लिए आया हूँ और पूरे जोश के साथ हम लोग आज इस लेक्चर को चालू करने वाले हैं पूरी उम्मीद है आप लोग सभी इस चीज़ के लिए वेट कर रहे होंगे मैं सबसे पहले दो मिनट आपसे हाई बाय कर लेता हूँ उसके बाद लेक्चर चालू करूँगा पहले आप पूरे पॉइंट सुन लीजिए हम सबसे पहले पांच दस मिनट हाई बाय कर लेते हैं ताकि हमारे बाकी दोस्त भी जितने भी है या आप जिन दोस्तों को बुलाना चाहते हैं इस लेक्चर के अंदर में उन लोगों को भी बुला लीजिए और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक एक चीजें एक एक पहलू को हम लोग जाएंगे ठीक है तो यस ऑल द पीपल आई आई एम एम वेरी गुड आई होप यू ऑल आर गुड एंड सभी लोगों को क्या करना है ये लेक्चर लेने से पहले फटाफट एक रजिस्टर अपने हाथ में ले लेना है एक रजिस्टर एक पेन अपने हाथ में ले लेना है आज के जो लेक्चर्स होंगे ये डेढ़ डेढ़ घंटे के होंगे मतलब यहाँ से डेढ़ घंटे का होगा मैं आपको मेरी एक खासियत बता दू मेरी एक खासियत ये है कि मैं जब भी आपसे कहता हूं कि बस लेक्चर डेढ़ घंटे का होगा तो आप हमेशा मान के चलिए इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा एक रिक्वेस्ट साथ साथ मैं आपके साथ और करना चाहता हूँ कि मेडिकल इमरजेंसी है अगर आ, बीच में मुझे लेक्चर बंद करना पड़ता है इफ एट ऑल तो प्लीज इस बात के लिए मुझे पार्टन कीजिएगा राइट right? ये मैं जब तक के मेरे घर का थोड़ा सा सिचुएशन सुधर नहीं जाता तब तक के मैं आपको ये कह रहा हूं अदरवाइज ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी सो यस माय फादर इज गोइंग फाइन अभी तो बिल्कुल चल रहा है एंड लेट अस स्टार्ट सबसे पहली बात ये लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में मैं आपको लिंक दे दूंगा लेक्चर नंबर वन दैट इज टॉपिक नंबर वन बेसिक्स के नोट्स मैंने वहां पे टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दिए हैं यही चीज वी स्मार्ट के वेबसाइट के ऊपर भी हम लोगों ने अपडेट कर दी है तो आप जाकर के वहां से ले सकते हैं राइट सिंस वी आर डीलिंग विथ कपल ऑफ थिंग्स मैं एक एक करके सभी चीजों को एड्रेस कर देता हूं सबसे पहली बात जब भी कोई बच्चा मे 21 वन एज वेल एज नवंबर 21 के लिए प्रिपेयर कर रहा है ध्यान से सुनिएगा कोई भी बच्चा मे ट्वेंटी वन या फिर जून 21 ऑब्लिक ट्वेंटी ट्वेंटी आप सभी को बता दू ये लेक्चर एप्लीकेबल है अब इस लेक्चर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है इस लेक्चर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है मैं आपको यह बता दूं जब भी कोई मे लेक्चर चालू होता है अब जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे होंगे प्लीज कमेंट करना बंद कर दीजिए मैं अभी नहीं देख रहा हूं सीधा लेक्चर के एंड में मैं आपके सारी क्वेरीज को हैंडल कर लूंगा मैं इसके लिए एक सेपरेट टाइम दूंगा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो कमेंट ना करें कोई भी किसी भी तरह का कमेंट ना करे जब तक कि मैं खुद ना आपसे कह दू कमेंट करने के लिए और जैसे ही लेक्चर एंड होगा मैं आपसे एक सेपरेट क्वेरी सेशन लूंगा उसके अंदर में आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सारी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा और उसके बाद ही हम लोग आगे जाएंगे डन मालिक

राइट right? दूसरे वो बच्चे जो पहली बार फाउंडेशन से आए हैं इनका अटेम्प्ट या तो ऑब्लिक नवंबर 21 के ऊपर हो रहा होगा राइट right? या फिर डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट हो सकते हैं ये सारे डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट हो सकते हैं जो इन अटेम्प्ट के ऊपर फॉल हो रहे होंगे ये जो भी बच्चे हैं इनमें क्या क्या चेंजेस है मैं आपको बता देता हूं सबसे पहली बात आप लोगों को जो एप्लीकेबल है वो है फाइनेंस एक्ट टू जी हाँ जून 21, 21, या 21 या नवंबर दिसंबर के लिए आपको जो एप्लीकेबल है वो है साहब फाइनेंस एक्ट 2020। अब ये फाइनेंस एक्ट 2020 में क्या बदलाव आया है ये जानना आपको बहुत जरूरी है सर ये बदलाव है अराउंड 104 अमेंडमेंट्स जो उन लोगों ने दिए हैं सर Sir, क्या सारे के सारे अमेंडमेंट हमें इसी लेवल पे एप्लीकेबल है ना मुन्ना ना ये आपको सारे के सारे अभी एप्लीकेबल नहीं है इसमें से कुछ पार्ट उन्होंने इंटर पे रखा है और मैक्सिमम ऑफ द पार्ट फाइनल के ऊपर रखा हुआ है बट फाइनेंस एक्ट 20 एप्लीकेबल है तो जिन लोगों ने नवंबर 20 दिया होगा उनका पूरा का पूरा फाइनेंस एक्ट बदल रहा है तो जो नवंबर 20 वाले बच्चे हैं जो मे 21 दे रहे हैं आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों को क्या लेना होगा नए बुक्स लेना होगा क्या करना होगा नए बुक्स लेना होगा हालांकि जिनका अटेम्प्ट अटेम्प्टी ट्वेंटी, वन, ट्वेंटी वन आ रहा होगा उनके लिए तो ऑलरेडी ये बुक्स नहीं होगी यानी जो नए फाउंडेशन के बच्चे होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूं ठीक है है मालिक अच्छा क्या फाइनेंस एक्ट 2020 ही पढ़ना है हमें सर काफी हो गया ना मुन्ना ना तुम्हें और भी कुछ पढ़ना है सर क्या पढ़ना है हमें मैं आपको बताता हूं सर हुआ ये कि फाइनेंस एक्ट 2020 आया ये आया सर फर्स्ट फेब्रवरी 2020 को ध्यान से सुनना ये आया 1 फरवरी 2020 को जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फाइनेंस एक्ट 2020 आने के बाद अराउंड 21st ऑफ मार्च को लगा कोविड लॉकडाउन कोविड की सिचुएशन आ गई भारत के अंदर में और कोविड की सिचुएशन आने के साथ-साथ क्या हुआ कोविड की सिचुएशन आने के साथ-साथ जो सबसे पहली मार थी वो किसी भी आदमी के इनकम पे पड़ी क्योंकि वो लॉकडाउन के तहत था बराबर है और इसी के लिए कुछ रिलैक्सेशंस देने थे बराबर है तो भारत सरकार ने टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जिसे अदर प्रोविजन रिलैक्सेशन ऑर्डिनेंस 2020 भी कहा जाता है जिसे अब हम अलग शब्दों में कहेंगे ऑर्डिनेंस 2020 को लेकर के आ गए जिसका मतलब यह हुआ कि इसके तहत भी जो चेंजेस हुए ये आप लोग के सिलेबस में एप्लीकेबल है फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑर्डिनेंस था इससे टीडीएस के रेट्स बदले इससे टीडीएस के रेट्स बदले और टीडीएस के रेट बदलने से इफेक्ट ये हुआ या इंपैक्ट ये हुआ कि आपके जितने भी टीडीएस के प्रॉब्लम्स थे वो सारे के सारे अमेंड हो गए हेंस जो जो नवंबर नवंबर 20 वाले बच्चे हैं और जो अब मई 21 21 दे रहे हैं इनको बहुत बड़े चेंजेस है इनफैक्ट टीडीएस के रेट्स में भी चेंजेस है और टीडीएस के रेट्स में चेंज कुछ इस प्रकार से है कि ओल्ड वाले रेट भी याद रखने हैं और न्यू वाले रेट में भी याद रखने हैं सर सर क्या आप हमें डरा रहे हैं हाँ मैं आपको डरा रहा हूं क्योंकि ये डरने वाली बात है जी हाँ क्योंकि कोविड सिचुएशन के अंदर में इनकम टैक्स के अंदर में कई सारे चेंजेस आए हैं मार्च में हमें सबसे पहले 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया पूरी हिस्ट्री ध्यान से सुनिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है

मार्च के बाद आया अप्रैल मे जून जून तक के भी जब सिचुएशन देखी गई आफ्टर द एक्सटेंडेड लॉकडाउन वहां पर भी सिचुएशन नहीं सुधरी लॉकडाउन होने की वजह से इकोनॉमी और थोड़ी सी वर्ष हुई और जिसके कारण जो सबसे बड़ा रिलीफ आना था वो रिलीफ आना था इनकम टैक्स के अंदर में बिकॉज इनकम टैक्स एक पर्सनल टैक्स है इनकम टैक्स एक पर्सनल टैक्स है और पर्सनल टैक्स पर्सनल टैक्स सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है हेंस कुछ और नोटिफिकेशन निकले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कुछ और नोटिफिकेशन निकले इन जून 2020 जिसका इंपैक्ट भी आपके ऊपर आ रहा है जी हाँ जिसका इंपैक्ट भी आपके ऊपर आ रहा है इस नोटिफिकेशन में कई सारे पॉइंट थे कुछ इंटर पे एप्लीकेबल है कुछ फाइनल पे एप्लीकेबल है मैं सिर्फ बात कर रहा हूं जो इंटर लेवल या सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे आएगा उस पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे भी कुछ इंपैक्ट आए जून के बाद सब लोग वेट कर रहे थे कि चलो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी लाइफ फिर से यू नो ट्रैक पे आ जाएगी हम फिर से बिना मास्क के घूम पाएंगे हम फिर से उसी तरीके से एक दूसरे से बात कर पाएंगे एक दूसरे के साथ रह पाएंगे लेकिन आपको तो पता ही है वायरस बहुत डेडली है आप लोगों में से कई लोग या आप लोगों के जानने वालों ने इस वायरस का इंपैक्ट जरूर देखा होगा मैंने भी मेरे परिवार में ये चीज देखी है इसके बाद क्या हुआ सिचुएशन नहीं संभली कुछ और दिनों बाद एक और नोटिफिकेशन आया नोटिफिकेशन आया सितंबर 2020 के अंदर में जिसका इंपैक्ट आपको हुआ मैं जानता पहले मैं हूं पहले दिन आप आपको कुछ वर्ड नहीं समझ रहे गारंटी मेरी सितंबर के अंदर में और नोटिफिकेशन आए इस नोटिफिकेशन का इंपैक्ट अगेन आपको हुआ और इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि नवंबर 2020 से इस नोटिफिकेशन में कहा गया नवंबर 2020 से कई बदलाव किए जा रहे हैं हालांकि जो नवंबर 2020 से बदलाव किए गए हैं ये मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स फाइनल के ऊपर एप्लीकेबल है पर इसके कुछ पोर्शन आपको इंटर पे भी झलकते हैं तो जब हम मे 21 नवंबर 21 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं क्या सिर्फ हमें फाइनेंस एक्ट 2020 देखना चाहिए आंसर इज नो जब हम एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट देख रहे हैं तो हमें इसके साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि हमें जो ऑर्डिनेंस आया है उस ऑर्डिनेंस पे फोकस करना है साथ साथ में जो दो बड़े नोटिफिकेशन आए हैं वैसे तो बहुत सारे आए थे ये दो बड़े नोटिफिकेशन इन दो बड़े notifications को भी ध्यान में रखना है तो सर मुझे एक बात बताइए ध्यान से सुनिएगा जो लोग फाउंडेशन से या डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हैं मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये लेक्चर जो होंगे ये टोटली totally होंगे तो मतलब जो लोग फाउंडेशन से आए हैं या फिर डायरेक्ट एंट्री से आए हैं उनके लिए ये टोटली अमेंडेड होगा टोटली अमेंडेड होगा जो बच्चा नवंबर के अंदर में नवंबर 20 से मई 21 के ऊपर शिफ्ट हो रहा है ध्यान से सुनिएगा जो बच्चा नवंबर 20 से मई 21 के ऊपर शिफ्ट हो रहा है अब इनके पास क्या ऑप्शन है इनके पास दो ऑप्शन है एक या तो ये जो रेगुलर क्लास चल रही है वो रेगुलर के ऊपर चल जाए या मान लीजिए इनको रेगुलर का टाइम नहीं है तो हम लोग फास्ट ट्रैक बैच भी लेकर के आने वाले हैं हम लोग क्या लेके आने वाले हैं फास्ट ट्रैक बैच भी लेकर के आने वाले हैं है और उस फास्ट ट्रैक बैच के थ्रू भी आप ये कर पाओगे मैं इंश्योर करता हूं कि फास्ट ट्रैक बैच जो है इसके अंदर में आपको सारे अमेंडमेंट्स कवर मिलेंगे सारी चीजें मिलेंगी तो जो फाउंडेशन वाले हैं इनने मैंडेटरीली आपको क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो जिंदगी के अंदर में डायरेक्ट एक्सेस तो आपको मैंडेटरीली चल जाइए या तो आप ट्रैक क्लास के ऊपर चल जाइए तो दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको फटाफट बता देता हूं रेगुलर क्लास अराउंडी सेवन रहेगी वेन इट कम्स टू डायरेक्ट एक्सेस और थ्री टू थ्री एंड हाफ आवर्स का एक क्लास रहेगा बराबर है थ्री टू थ्री एंड हाफ आवर्स का एक क्लास रहेगा वेर अगर मैं बात करूं अगर मैं बात फास्ट ट्रैक की अगर मैं बात फास्ट ट्रैक की सो अराउंड लेक्चर्स रहेंगे और ये टू टू थ्री आवर्स पे वेरी होंगे अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है रेगुलर के अंदर में हर एक कंसेप्ट को हम लोग बहुत ज्यादा डीप में जाकर के समझते हैं पहली बार आप टैक्स पढ़ रहे हो उस हिसाब से समझा जाता है नंबर ऑफ प्रॉब्लम की बात करूं तो वो इस अजम्पशन के साथ होता है कि बॉस बच्चे ने एक बार पहले पढ़ा है वो एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक होता है एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक का मतलब क्या होता है कि बॉस आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और इसी के लिए कॉन्सेप्ट और सीधे प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है डीप में पढ़ना है गो विद द रेगुलर वन अगर आपको बस फटाफट निपटाना है राइट और बाकी चीजों पे फोकस करना है तो गो विद द फास्ट ट्रैक हालांकि दोनों केस में एक चीजें बहुत कॉमन है वो ये है कि बॉस आपका कंसेप्ट जो होगा वो हंड्रेड परसेंट कवर होगा कॉन्सेप्ट में कहीं रिडक्शन नहीं होगा बस ऐसा है कि रेगुलर में हम लोग सेक्शन के पीछे की हिस्ट्री सारी चीजें कवर करते हैं फास्ट ट्रैक में ये सेक्शन है इसको इस तरह से अप्लाई करते हैं और इस तरह से वर्कआउट करना है इतनी चीजें वर्क करते हैं फिर नंबर ऑफ प्रॉब्लम रेगुलर के अंदर में मोर देन 350 प्रॉब्लम हम लोग क्लास के अंदर में कवर करते हैं वैसे ही फास्ट ट्रैक के अंदर में वो 100 प्रॉब्लम तो you know, टाइम बच जाता है तो फाइनेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी समझ में आई मालिक चलो जी ये था दोनों पार्ट पे की बॉस जब मैं नवंबर 21 मई 21 का दे रहा हूं तो किस तरीके से क्या चीज की एप्लीकेबिलिटी आएगी अच्छा जी सर सर मुझे एक बात बताइए अभी मैंने आप क्या सजेस्ट करोगे मैं रेगुलर लू या फास्ट ट्रैक लू या रेगुलर कितने दिन में खत्म होगा क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे परसिस्टेंटली आ रहा है एंड बिकॉज ऑफ द इश्यूज मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहा था और मैं आपको अभी बता दूं कि सर आपका अगर रेगुलर बैच भी है तो मैं इसे बिफोर मार्च कंप्लीट कर दूंगा जी हाँ बिफोर मार्च के अराउंड मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा राइट फास्ट ट्रैक जो है फास्ट ट्रैक जो है ये मैं जनवरी में रिकॉर्ड करूंगा मतलब आज से करीब दस दिन के अंदर मैं फास्ट ट्रैक का रिकॉर्डिंग चालू कर दूंगा और उसके लिए मैं मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा जिसके अंदर मैं मैं आपको पूरा फास्ट ट्रैक की डिटेल्स दे दूंगा चाहे वो नॉर्मल वाला हो चाहे वो अदर वाला हो यस yes ऑनो no? तो सर यह है रेगुलर यह है फास्ट ट्रैक और इनकी पूरी की पूरी डिटेल आइए सर अब मैं बात करता हूं लेक्चर स्टार्ट करने की लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्या क्या अमेंडमेंट आए क्या क्या चेंजेस आए किस तरीके से आए वो सारी चीजें हैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के पास एटलीस्ट जो नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाले हैं उसका पीडीएफ अवेलेबल होगा नहीं भी अवेलेबल है तो एज ऑफ उसकी जरूरत नहीं है अगर नहीं भी अवेलेबल तो एज ऑफ उसकी जरूरत नहीं है आप चाहे मेरा रेगुलर लेंगे चाहे आप फास्ट ट्रैक लेंगे ये जो बेसिक लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बस लेक्चर चालू करने से पहले मैं एक कमिटमेंट मेरे तरफ से आप सभी को दे दूं जो इनफैक्ट आप सभी के दोस्तों ने भी कहा होगा कि सर मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये आपके दिन का सबसे बेस्ट लेक्चर होगा आप इस लेक्चर के लिए वेट करेंगे और मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आपके दिन का सबसे बेस्ट लेक्चर बना के छोड़ूंगा जिसमें नॉलेज होगा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा सम सॉल्विंग होगा केस स्टडीज होंगे कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज होंगे जो टैक्स के अंदर में कवर किए जाते हैं और वो सब कुछ जो आप अपने फ्रेंड टीचर और बड़े भाई से एक्सपेक्ट करते हैं डन सर तो मेरा कमिटमेंट याद रखिएगा कि आपको सर बोर नहीं होने दूंगा और आपका लेक्चर का मजा हंड्रेड परसेंट रहेगा आइए सर स्टार्ट करते हैं राइट तो कोई महान बच्चा आया मेरे पास बेचारा पहली पहली बार फाउंडेशन क्लियर किया था पहली पहली बार फाउंडेशन क्लियर करके आया उसने मेरे को देखा ऊपर से नीचे तक ये मास्टर का साइज ही बड़ा दिख रहा है इनकम टैक्स तो पतला हो नहीं सकता तो आकर के मास्टर का साइज देखा वो बोला सर सर एक सवाल है सर आखिर ये पढ़ना क्यों है किसने लाया कौन था वो क्या पहली बार हमारे ही जनरेशन है जो इनकम टैक्स पढ़ रहा है आप ही मुझे बताइए सर क्या है मैंने कहा बेटा पहले शांत हो जा अभी तेरा फाउंडेशन का रिजल्ट आया नहीं है आएगा बट ये बात अच्छी है कि तू कॉन्फिडेंट है और तू ये लेक्चर करना चाहता है तो मैं तेरे को आज इसकी पूरी हिस्ट्री समझाता आज मेरे साथ तू ये समझ कि आज हमें चार वर्ड पहले तो चार वर्ड को डिस्कवर कर आ ठीक है सभी बच्चे मेरे साथ पेन और पेपर लेकर के लिखेंगे चार वर्ड आज आप वो चीज लिखने जा रहे हैं जो आपके के अंदर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये चार वर्ड को साहब आज लिख के रख, 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 रख दो बस आज ये लिख करके रख, रख दो आप ऐसा समझ लो आज का लेक्चर या कल का लेक्चर आपको सर इसी पे चलना है इसी पे चलना है ठीक है और प्लीज इस बात को क्वेश्चन मत करना कि मैं कितना डीप जा रहा हूं या क्या जा रहा हूं मेरा पढ़ाने का तरीका बड़ा सिंपल है और एक मंत्र आप लिख करके रख देना पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो क्या बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपको मेरे साथ सिर्फ इंटर पे नहीं पढ़ना है मैं फाइनल लेवल पे भी डायरेक्ट टेक्सेस पढ़ाता हूं फाइनल लेवल पे इंटरनेशनल टैक्सेस पढ़ाता हूं तो हर चीज को बहुत डीप में समझाऊंगा यह समझ करके कि तुम फाइनल के लिए प्रिपेयर हो रहे हो ठीक है मालिक तो बिल्कुल आ जाओ साहब चार वर्ड है बेटा

कि इनकम टैक्स कोई अंग्रेजों के जमाने का है या भारतीय ने निकाला भा है या उससे पहले भी एशियंट इंडिया में चलते हैं चाणक्य का नाम तो आपने सुना ही होगा चाणक्य जी का नाम आपने सुना ही होगा चलिए इस एस्पेक्ट में आपसे कुछ कहता हूं इनकम टैक्स वेयर लेविड इन एशियन टाइम्स ऑल्सो मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग आज ही कर रहे हैं चलिए कालिदास जी जो रघुवंश के अंदर में थे उन्होंने इनकम टैक्स के बारे में कुछ कहा था जब फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स लेवी किया जा रहा था तो उन्होंने कुछ वर्ड्स कहे थे इन वर्ड्स को यहां पे पढ़ते हैं उन्होंने राजा से कहा कि हे राजा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं आगे इट इज ओनली फॉर द गुड्स ऑफ इस सब्जेक्ट दैट ही कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम देम जस्ट एज सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम अर्थ टू गिव इट बैक एज रेन वापस से एक बार पढ़िएगा और इस बार आप जहां भी बैठे हो घर में ऑफिस में जहां पे भी ये देख रहे हो इस वर्ड को देख करके आप फिर से जोर से मेरे साथ बोलेंगे इट इज इट इज कमेंट नहीं करना है मेरे साथ जोर से बोलना है आजू बाजू वालों को लगना चाहिए तुमने क्लास करी है ठीक है तो सर इट इज फॉर द गुड्स ऑफ इस सब्जेक्ट इट इज फॉर द गुड्स ऑफ इस सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब लोग पे कि राजा तुम अपने जो है, उनसे करो. करके करना क्या है जस्ट एज सन ड्रॉ रेन जिसका मतलब जिस तरीके से एक सव, पूरा का पूरा सन मॉइस्चर ड्रॉ करता है और बाद में वापस आपको रेन जैसे देता है ठीक उसी तरीके से आप अपने लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करो ये टैक्सेस उन लोगों के लिए ही क्या करो सुविधा क्रिएट करो आज इसे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट राजा और हम लोग सारे प्रजा गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस कलेक्ट करेगा बचपन से लेके आप क्या -क्या ले आज तक के रोड यूज कर रहे हैं बराबर है कभी कभी ऐसा हुआ कि आप रोड यूज कर रहे हैं रोड यूज करते ही आते किसी ने बोला लेट से प्रधानमंत्री जी ने बोला भाई और बहनों आपने रोड यूज किया है इसके लिए आपको पैसा देना होगा कभी ऐसा देखा तुमने या कभी किसी ने ऐसा कहा लेट से द मोस्ट हैंडसम बैचलर कभी उन्होंने ऐसा कहा दस मिनट के लिए आप मेरे रोड पे चलिए यहां से रोड डालूंगा वहां से हाईवे निकलेगा कभी ऐसा हुआ नहीं ना आप हमेशा से इसे यूज कर पाए क्यों यूज कर पाए क्योंकि किसी ने टैक्स पे किया और जो रोड बना इसे आपने यूज किया मतलब अगेन गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट कर रही है और आप ही के भले के लिए इसे यूज कर रही है हालांकि रोड में गड्ढे हैं तो वो भला नहीं होता ये बात मैं भी जानता हूं दूसरी बात सर सिक्योरिटी आर्मी फोर्सेस पर्सनल कभी सुरक्षा के लिए आपने पैसे दिए नहीं कभी सोचा ये पैसा आता कहां से है ये पैसा आता है यहां से जो टैक्सेस पे होते हैं वहां से सैलरी जाती है डिपार्टमेंट्स की सैलरी जाती है सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए जाता है सारे गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स इससे वर्क करते हैं और इसी तरीके की अन्य सुविधाएं जैसे आप रेलवे है रेलवे में आप जाते हैं टिकट कटाते हैं और बैठ जाते हैं लेकिन आपने कभी सोचा कि रेलवे का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है ये कौन से पैसे से बन रहा है ये बजट से बनता है आज गवर्नमेंट की इतनी सारी पॉलिसीज चल रही है ये पॉलिसीज के तहत कई लोगों को बेनिफिट दिया जाता है आपने कभी सोचा कि ये कैसा पैसा आ रहा है टैक्सेस से आ रहा है तो ये जो कंसेप्ट था ये आज का नहीं है ये कई सालों पहले का है कालिदास जी ने रघुवंश के अंदर में कहा था इट इज फॉर द गुड्स ऑफ ए सब्जेक्ट कि आप टैक्स कलेक्ट करें एंड गिव इट बैक एज रेन जैसे अगेन मॉइस्चर ड्रॉ किया जाता है और पानी दिया जाता है ठीक उसी तरीके से आप भी टैक्सेस कलेक्ट करेंगे और इसे अलग 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 सुविधाओं पे आप क्या करेंगे अलोकेट करेंगे फिर क्या हुआ एशियन टाइम से हमारे यहां टैक्सेस लगते आए लेकिन इसके बाद क्या हुआ इसके बाद इसे एक प्रॉपर नेम मिला और वो मिला लैटिन में राइट लैटिन के लोगों का दो ही काम था दूसरा था वर्ड बनाना जरा ध्यान से सुनना लैटिन के लोगों का दो ही काम था और दूसरा था वर्ड बनाना लैटिन में पहली बार एक शब्द का यू नो इस शब्द को कहा गया टैक्सो टैक्सो मींस द रेट ऑफ टैक्स तो आज अगर कोई हमसे पूछता है कि सर ये टैक्स वर्ड कहां से आया तो हमें पहला पॉइंट रजिस्टर के अंदर में लिखना है टैक्स अराइज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टैक्सो विच मीन्स रेट्स ऑफ टैक्स सो टैक्स एक लैटिन वर्ड है टैक्सो विच मीन्स द रेट ऑफ टैक्स विच मीन्स द रेट ऑफ टैक्स जो बच्चे नालायक मुझसे पूछ रहे हैं कि पहला काम क्या था पहला काम आपको भी पता है उन लोगों को बनाना जिन्होंने ये वर्ड बनाए ठीक है अब धन धंधे पे ध्यान दो सो टैक्स अराइज हुआ टैक्स का एक वर्ड अराइज हुआ आप समझ रहे हो हम लोग कितना डीप जाकर के हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम बहुत डीप जाकर के हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि पहली बार टैक्स वर्ड कहां से आया अच्छा जी सर ये तो ठीक था सर आपने ये तो बता दिया कि टैक्स का वर्ड इजाद कैसे हुआ मुझे उस आदमी से मिलना है जिसने भारत के अंदर में ये लाया जिसने भारत के अंदर में टैक्स नाम की चीज क्रिएट करी मैंने कहा ओके चिल, चिल चिल ब्रो चिल बता रहा हूं सर भारत के अंदर में भारत एक सोनी की चिड़िया थी जिसको मुगलों ने राइट ब्रिटिशर्स ने बाद में क्या, -क्या कौन किया कौन किया अब ब्रिटिशर्स के कॉन्कर करने के बाद क्या हुआ जरा ध्यान से सुनिए जब ब्रिटिशर्स ने इसे किया वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू हुआ जिसका पैसा पूरा का पूरा भारत से निकालना जरूरी था इट वॉज सर जेम्स विल्सन ध्यान से सुनिएगा इस नाम को इट वॉज सर जेम्स विल्सन ब्रिटिश रूलर ने पहली बार सर जेम्स विल्सन इन द ईयर 1860 इन द 1860 जेम्स विल्सन ने पहली बार भारत के अंदर में इनकम टैक्स को लेकर के आया तो अगर कभी आपको गालियां मारनी है इसके आगे जो आप मारोगे एक पॉइंट पे, क्योंकि सब्जेक्ट का वास्टनेस इतना बड़ा है तो जेम्स विल्सन द पर्सन जिसके ऊपर आप यह चीज कह सकते हैं तो सर दूसरी चीज जो हमें लिखनी है हमारे रजिस्टर के अंदर में वो ये इन ईयर सिक्स ब्रिटिश रूलर जेम्स विल्सन ब्रॉट इनकम टैक्स इन इंडिया तो टैक्स नाम का वर्ड कहां से आया लैटिन से आया इंडिया में पहली बार किसने लाया सर जेम्स विल्सन ने लेकर के आया किसने लेकर के आया मालिक सर जेम्स विल्सन ने लेकर के आया अब जदिब और बात कर लेते हैं सर ठीक है तो क्या 1860 से इनकम टैक्स लगता है और अगर हाँ तो हम 1961 वाला पॉइंट क्यों पढ़ रहे हैं आराम से बता रहा हूं साहब मजे तो लीजिए मजे तो लीजिए साहब तो सर जेम्स विल्सन ने पहली बार भारत के अंदर में टैक्स लेके आया लेकिन क्या ये टैक्स चला आंसर इज नो करीब 20 साल ये टैक्स लगाने के बाद इनकम टैक्स को एक बार के लिए निकाल दिया गया जब उनका वर्ल्ड वॉर टू का खर्चा कंप्लीट हो गया तो इनकम टैक्स को बाहर निकाल दिया अगेन वापस से इनकम टैक्स को एक नए फॉर्म में लागू किया गया इनकम टैक्स एक्ट तो 1922, जो 1860 वाला था वो करीब 20 साल चल के बंद हो गया और इसके बाद इंडिया में फिर से एक और बार इनकम टैक्स लाया गया वो लाया गया इनकम टैक्स एक्ट 1922। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा ध्यान से सुनना ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया हुआ एक एक्ट था 1922 आप कह सकते हैं ये वो ईयर है जहां से इनकम टैक्स पूरे के पूरे तरीके से इंडिया पे लागू कर दिया गया इनकम टैक्स को लैंड रेवेन्यू के नाम से जाना जाने लगा अब ये लैंड रेवेन्यू क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा लैंड रेवेन्यू के नाम से जाना जाने लगा अब ये लैंड रेवेन्यू एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर का जो अग्रीमेंट है आर्टिकल 370 का पुराना वाला वो भी वर्क नहीं करता था जिसका मतलब ये था कि हम जम्मू कश्मीर में भी कोई व्यक्ति इनकम टैक्स इनकम कलेक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकते थे क्योंकि लैंड रेवेन्यू जो था वो जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल था आप जब फाउंडेशन में होंगे आपने जरूर लॉ पढ़ा होगा द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला पॉइंट पर यह कभी भी इनकम टैक्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ध्यान से सुनिएगा यह कभी भी इनकम टैक्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि नाइनटीन से ही नाइनटीन से ही इसे लैंड रेवेन्यू के नाम से कलेक्ट किया गया तो हो सकता है आपको कोई एमसीक्यू पूछा जाए इनकम टैक्स रेवेन्यू इनकम टैक्स इज कलेक्टेड एज अ लैंड रेवेन्यू नाइनटीन ट्वेंटी में एक्ट बना फिर से और इसे पूरे देश के अंदर में लागू कर दिया गया ध्यान से सुनिएगा 1922 के अंदर में एक्ट बना और इसे पूरे देश के अंदर में लागू कर दिया गया इसके बाद क्या हुआ 1947 के अंदर में हमें मिली आजादी ध्यान से सुनिएगा मजा आ रहा होगा उम्मीद करता हूं मैं और अगर मजा आ रहा होगा तो नीचे दन तो सर इसके बाद देशभक्तों ने हमें दिलाई आजादी और आजादी के बाद क्या हुआ आजादी के बाद यह हुआ कि हमारा एक और नया एक्ट बना इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी यह बना आफ्टर इंडिपेंडेंस अब आप यह पूछेंगे कि सर जब 1922 का एक्ट था तो हमें 1961 के एक्ट की जरूरत क्या पड़ी पूछो ना क्यों भले ही घर में बैठे हो पर प्यार से मजे लेते हुए पढ़ना है हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो मैं चाहता तो पहले दिन आके तुम्हें पूरा बाकी की दुनियादारी बता सकता था असेसमेंट ईयर क्या है प्रीवियस ईयर क्या है मजा नहीं आता अपन एवरेज बच्चे बेटा अपने को जीरो से पढ़ने का है कैसे पढ़ने का है अपने को जीरो से पढ़ने का है हिस्ट्री से पढ़ेंगे कि आखिर ये आया तो आया कैसे और आया तो आया क्यों तो जल्दी से पूछो क्यों जब हमारे पास 1922 का एक्ट था क्योंकि अगर आपको याद हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था वो एटीन हंड्रेड के थे जिसको हम आज तक पढ़ रहे हैं तो 1922 का एक्ट को 1961 में लाने की क्या जरूरत पड़ गई इसका एक सवाल अपने मन में होना चाहिए तो उसका जवाब यह है कि मालिक इसके अंदर में हर जगह ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्ड यूज था जो 1922 का एक्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्ड यूज था अब इससे होता यह था कि इनकम टैक्स में कुछ भी करने जाते 1947 के बाद तो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी नहीं इंडियन पार्लियामेंट हो चुकी थी और बार बार टेक्निकल डिफिकल्टीज आती थी इसके साथ साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने अपने क्या करे अपने डिपार्टमेंट सेटअप किए सी सेटअप हुआ और इसके बाद अपने डिपार्टमेंट्स के लॉ प्रोसीजर एंड अदर चीजें उसमें लिखने की जरूरत पड़ गई इसलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने हमारा खुद का एक्ट निकाला साथ ही साथ में यहां पे एक जमाने में वर्ड हुआ करता था इंडियन इनकम टैक्स इसे हटा करके हमने सिर्फ लिखा इनकम टैक्स एक्ट इसका इंपैक्ट क्या हुआ इंडियन इनकम टैक्स और इनकम टैक्स के बीच में फर्क क्या हुआ फर्क यह हुआ कि जब हमने वर्ड इंडियन हटा दिया तो इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी व्यक्ति भले ही आउट ऑफ इंडिया से भी क्यों ना आया हो नॉन रेसिडेंट क्यों ना हो उस पर भी टैक्स कलेक्ट करने का पावर इंडिया को मिल गया हेंस आज आप इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं पढ़ते आज आप सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ते हैं उसका रीजन ये है कि आज जो इनकम टैक्स है हमें इस पे पावर मिलता है ना सिर्फ इंडियन पीपल पे टैक्स कलेक्ट करने का आउट ऑफ इंडियन जो लोग हैं उनके ऊपर भी टैक्स कलेक्ट करने का पावर मिल जाता है बिकॉज़ द एक्ट जस्ट नॉट यूज़ द वर्ड इंडियन समझ में आई बात ये है पूरा का पूरा गेम किस तरीके से टैक्स आता है किस तरीके से टैक्स लागू किया जाता है किस तरीके से इसकी हिस्ट्री बनी तो चलो मेरे साथ एक बार फटाफट जो कोई भी जहां कहीं भी है फटाफट मेरे साथ एक बार रिवाइज करें जल्दी से सबसे पहली बात क्या ये कोई नया वर्ड है आंसर इज इस नो इसे सदियों से एशियन टाइम से हमारे यहाँ पे चलाया जा रहा है पहली बार टैक्स नाम का वर्ड कहां से आया लैटिन लैटिन के लोगों के कितने काम थे मालिक दो ही काम थे पहला काम क्या था पता नहीं दूसरा काम क्या था वर्ड बनाना तो उन्होंने एक वर्ड बनाया टैक्सो टैक्सो का मतलब क्या होता है रेट ऑफ टैक्स फिर क्या हुआ 1860 के अंदर में पहली बार सर जेम्स विल्सन ने 1860 में पहली बार सर जेम्स विल्सन ने क्या लाया इनकम टैक्स इंडिया में लेकर के आया करीब क्या सो करीब 20 साल इनकम टैक्स चलता रहा जैसे चलना था बिल्कुल वैसे ही चलता रहा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसके बाद क्या हुआ इसके बाद सर हुआ ये कि 1922 में इस एक्ट को फिर से लाया गया 1922 में जब इस एक्ट को लाया गया तो पहली बार इसमें से पूरे के पूरे प्रोविजंस इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से निकले इंडिपेंडेंस मिला इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमने अपना एक एक्ट बनाया इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो बना आफ्टर इंडिपेंडेंस और इस तरीके से यह लागू हुआ इसके बाद क्या हुआ 2010 था मनमोहन सिंह की सरकार थी ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को समझना बड़ा जरूरी है मालिक आपके लिए बात थी 2010 की मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी यस yes, मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी अब क्या हुआ सोचा गया कि इनकम टैक्स को बदल दिया जाए और लाया जाए डायरेक्ट टैक्स कोड क्या लाया जाए जल्दी से बताओ डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जाए लेकिन 2014 में जब तक ये एक्ट लागू होता सरकार बदल गई और अरुण जेटली सर आ गए

कि भैया डायरेक्ट टैक्स कोड लेकर के आओ राइट दो में एक और बात उठी अरुण जेटली सर ने उस टाइम भी कह दिया नो 2019 में फिर एक बात उठी जब तक के निर्मला जी आ चुकी थी 2019 का इलेक्शन हुआ 2019 के इलेक्शन के बाद निर्मला सीतारमन जी आई निर्मला सीतारमन जी से वापस पूछा गया डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में क्या आप डायरेक्ट टैक्स कोड लेकर के आने वाले हैं क्या इनकम टैक्स बदलने वाला है इनने अगेन कह दिया नो और 2019 में लास्ट टाइम था जब डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में डिस्कशन हुआ जिनमें उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि सर डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं आ रहा है एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स के अंदर में ही हम लोगों ने चेंजेस कर दिए हैं तो खैर ये वाला पार्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है बस इतना पार्ट आपको समझना है ये मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए दे रहा था क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर टैक्स बदलने वाला है क्या टैक्स बदलने वाला है क्या तो नहीं एज ऑफ नाउ मे भी जो आप लोगों को पढ़ना है वो है डायरेक्ट टैक्स एक्ट 1961 ये बारे में क्लैरिटी आ गई मालिक चलो जी तो ये थी पूरी की पूरी हिस्ट्री हिस्ट्री में आपको ये दो से तीन पॉइंट ही याद रखना है इसके साथ साथ एक और चीज हुई हम लोगों ने लाया इनकम टैक्स रूल्स 1962 आज जो आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही नहीं है आपको एक और चीज पढ़नी है इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब आप ये पूछेंगे कि सर एक्ट और रूल्स क्या ये दोनों एक ही चीज है ना मुन्ना ना एक्ट और तो रूल्स दोनों एक चीज नहीं है दोनों अलग अलग चीजें हैं डिस्कस करेंगे तो सर ये थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है और वो चांदी क्या जिसमें दाग ना हो तो ये आता रहता है इसका टेंशन मत लेना हम लोग आपके साथ ही हैं कंटिन्यूस है तो सर द पॉइंट इज एक्ट आया 1961 में रूल्स आए 1962 में तुम्हारे मन में एक और सवाल आना चाहिए ऐसा क्यों पूछो ना अपने आप से क्यों तुम्हें पूछना चाहिए अपने आप से कि सर एक्ट आया 1961 में एक्ट आया नाइनटीन में और रूल्स आए 1962 में ऐसा क्यों तो इस सवाल को बिल्कुल बचा के रखिएगा इस सवाल का जवाब मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूं एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ एक चीज समझनी है हमें इनकम टैक्स एक्ट वन और इनकम टैक्स रूल्स नाइनटीन आ रहा है गेटिंग इट ऑ नॉट चलिए बट आपको तो पता है ये एक्ट और रूल्स जितनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले कुछ और बेसिक्स है जो मैं चाहता हूं आप समझ लें कुछ और ऐसे बेसिक्स है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं डन आइए चलिए आप सभी लोगों को अब चैट बॉक्स में आ जाना है चैट करके दिखाना है फाउंडेशन से लेके आज तक फाउंडेशन से लेके आज तक आप लोगों ने कई बार सेक्शंस पढ़े हैं इनकम टैक्स एक्ट बोलो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलो पार्टनरशिप एक्ट बोलो या इत्यादि इत्यादि एक्ट बोलो जरा मुझे ये सेक्शन रीड करके बताइए आपसे बड़े सिंपल सी बात कह रहा हूं हाउ टू रीड द सेक्शन ये सिखाना मुझे क्यों जरूरी है कई लोगों को आज समझ जाएगा बराबर है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर में मुझे बताइए इसे कैसे रीड करेंगे जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसे कैसे रीड किया जाएगा सेक्शन टू सेक्शन टू सब क्लॉस थ्री ठीक है साहब ऋतुजा ने कहा ये। सेक्शन टू सेक्शन थ्री लोकेश कह रहे हैं दुर्गा जी कह रही है सेक्शन टू क्लॉस थ्री ठीक है साहब शुभम मित्तल जी कह रहे हैं सेक्शन टू सेक्शन टू सब क्लॉस थ्री ओहो साहब गायत्री जी रोहन जी सब लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया है बेटा ऐसे ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते जाना है तुम्हें क्या हुआ बेटा कंफ्यूज हो गए कंफ्यूज आ गए बेटा जीवन में कि इसको रीड कैसे करते क्यों तुमने तो पूरे हंड्रेड मार्क का लॉ पढ़ा था क्या हुआ बेटा नहीं याद आ रहा ओ फाउंडेशन क्लियर करोगे ओ फर्स्ट अटेम्प्ट ओ क्या हुआ बेटा तुम्हें सेक्शन रीड करते नहीं आ रहा बेटा आओ इनमें से कई लोगों ने सही जवाब भी दिए हैं ध्यान से सुनिएगा

और यू you नो know, ड्रीम तो वही अपने बिग फोर वाले बिग फोर वाले ड्रीम के साथ गए अपन वन ऑफ द बिग फोर नाम लेना तो खैर अब सही नहीं है तो वहां जाकर के भैया सबसे पहले उन्होंने मेरे को सवाल पूछा एक एक्ट मेरे सामने रख दिया इनकम टैक्स एक्ट और कहा कि चलो ये पर्टिकुलर सेक्शन ढूंढ के निकालो

इसके बाद जो होता है इसे हम कहते हैं सब सेक्शन इसके बाद जो होता है इसे हम कहते हैं क्लॉज और इसके बाद जो होता है इसे हम कहते हैं सब क्लॉज तो आप में से बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया और जिन लोगों का सही जवाब नहीं भी आया वो इस तरीके से इस सेक्शन को रीड करेंगे इसके आगे सो दिस इज सेक्शन टू सेक्शन वन क्लॉज टू सब क्लॉज थ्री इस तरीके से इसे रीड किया जाता है राइट right? आज जाना और अपने सारे दोस्तों को सेम क्वेश्चन पूछना उनके सामने सेक्शन रख देना बोलना चल एक काम कर बता बता मुझे ये सेक्शन को कैसे रीड करते राइट right? वो पूरा अगर नहीं बता पाया राइट right? पूरा नहीं बता पाया उसको बोलना झंडू क्या सी ये बनेगा क्या गुंडा बनेगा तू उसको बैठाना ये पढ़ाना उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे और बोलेगा भाई रिस्पेक्ट बोलेगा भाई रिस्पेक्ट तो जब आप उसको बताओगे या आपके कोई बड़े भाई वगैरह होंगे उनके साथ मजे लेते रहना लाइफ में मजे लेना बहुत जरूरी है

मैं आपको पहले ही बता दूं मैं इनकम टैक्स कैसे पढ़ना है पहले ये सिखा रहा हूं क्योंकि मैं एक बहुत एवरेज बच्चा हूं और एवरेज बच्चा होने के नाते ना मालिक मेरे को ऐसा लगता है कि बॉस आपको वो यू नो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए अब एक्सप्लेनेशन क्या होता है सेक्शन के अंदर में कई ऐसे वर्ड लिखे होते हैं जिनका एक्जैक्टली exactly क्या मीनिंग होगा या लॉ क्या मीनिंग आपको लेना चाह रहा है वो एक्सप्लेनेशन में लिखा होता है अपने आसान भाषा में डेफिनेशन बराबर है नॉट प्रॉपर डेफिनेशन बट उस सेक्शन से रिलेटेड जो पार्ट है उसका डेफिनेशन सो एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू अ पार्ट ऑफ सेक्शन दिस इज एक्सप्लेनेशन कि उसी से रिलेटेड कोई पार्ट आपको बताया गया है एक और होता है प्रोविजियो इसी को एक और शब्द से कहते हैं Provided दैट जब आप बैरैक्ट पढ़ोगे जो आप मेरे साथ पढ़ोगे जब आप बैरैक्ट पढ़ोगे तो आपको एक और वर्ड मिलता है या ज़ाहिर सी बात है पहली बार ये शब्द पढ़ रहे हो तो आप तो ये पूछोगे सर क्या होता है सर ये बहुत भारी का कुछ तो दिख रहा है अरे टेंशन नहीं भाई भाई तेरे साथ है सुन मेरी बात प्रोविजो या प्रोवाइडेड दैट अब आप ये पूछेंगे किसी चीज का एक्सेप्शन होता है ना एक्सेप्शन इज नथिंग बट प्रोविजो या प्रोवाइडेड दैट इज अक्सेप्शन टू सेक्शन फॉर एग्जाम्पल आई ईट ऑल द फ्रूट एक्सेप्ट तो इसे लॉ में कैसे लिखा होगा आई रीट ऑल द फ्रूट प्रोवाइडेड दैट चीकू एसेट्रा एसेट्रा आई डोंट लाइक इट तो ये जो एक्सेप्ट वर्ड होता है इसे लॉ मेकर प्रोविजो या प्रोवाइडेड दैट के नाम से लिखते हैं इसे लॉ मेकर प्रोविजो या प्रोवाइडेड दैट के नाम से लिखते हैं आई होप ये पहली बार आप लोग पढ़ रहे होंगे आपने लॉ इसके पहले भी पढ़ा होगा पर ये पहली बार पढ़ रहे होंगे और यही मजा है इस सब्जेक्ट का यही मजा है इस सब्जेक्ट का तो अब तक हमने क्या पढ़ा अब तक हमने पढ़ा मालिक हिस्ट्री

जल्दी से मुझे बताइए जल्दी से बताओ एक जवाब आया अशोक जी का 200, 200, 200 सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में वाइल्ड गैसेस करना है साहब आप लोगों को मोहिल अग्रवाल जी ने लिखा है 298 शुभम जी लिखते हैं 248 रोहित 200 618 400 से 500 298 टू बहुत बढ़िया 2048 जीरो फोर एट एट टू जीरो फोर एट दो टू नाइन एट वन जी हाँ बहुत जरिया टू नाइन एट वन एक टू नाइन एट वन दो छे सेक्शन जी हाँ साहब 600 सेक्शन अभी कहने कह रहा है 600 सेक्शन 600 सेक्शन एक छे सो दो साहब दो सो दो सो दो नाइन नाइनटी एट सेक्शन नाइन एट विंग चार्टन नाइनटी एट कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया बढ़ चढ़ के पंद्रह फैजान जी पंद्रह सेक्शन के साथ लीड लेते हुए बहुत बढ़िया क्षितिजा कह रही है सर होंगे कुछ हजार दो हजार बहुत बढ़िया बेटा सही जा रहे हो नाइन 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 अक्षय जी ले रहे हैं चलो साहब रुक जाओ रुक जाओ अब मैं खुद होके बता रहा हूं इनमें से अगेन कई लोगों ने सही जवाब दिया इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर में कितने सेक्शन है साहब देर आर टू नाइन एट सेक्शन इन इनकम टैक्स एक्ट अच्छा अब जैसी सर लोगों को पता चला ना कि हाँ बड़े फिगर लिखो मजा आ रहा है ये साले नलायक लोग बड़े पांच लाख छह लाख अब थोड़ा सा आ जाओ रुक जाओ शांति में आ जाओ जरा जीवन में टू नाइनटी एट सेक्शन है साहब जी हाँ लेकिन ये कहने के लिए टू नाइनटी एट है प्रिसाइजली 758 सेक्शन है मैं आपको बताता हूं कैसे ये धोखा हुआ है साहब तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ भी ये धोखा हुआ है क्योंकि इन्होंने नंबर लिखते वक्त तो सिर्फ लिख दिया लेट से सेक्शन 80 नंबर लिखते वक्त तो 80 लिख दिया लेकिन 80 सी 80 डी 80 ई e, 80 ई e, ई 80 ई ई ए ई ई बी ऐसे कर कर के कर कर के 758 पर हां अगर आपको एमसीक्यू आए ये पॉइंट बड़ा होकर एमसीक्यू बनेगा अभी भी बता रहा हूं ये पॉइंट बड़ा होकर एमसीक्यू बनेगा के सर कितने सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में तो सर मैं आपको बता दूं टू नाइनटी एट सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में तो साहब कहां थे हम हिस्ट्री के बाद हमने समझा सेक्शन कैसे होते हैं कितने होते हैं और उसके अंदर में क्या क्या होता है इस बात की पूरी की पूरी डिटेल्स अच्छा जी सर सर सेक्शन तो समझ लिया अब मुझे बताइए क्या एक्ट और रूल्स दोनों सेम चीज है आपके मन में सवाल आना चाहिए क्योंकि अभी-अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि साहब एक्ट 1961 रूल्स 1962 तो पहले तो सर मुझे ये बताओ आपको तो पता है मैं बड़ा एवरेज सा बच्चा हूं कि एक्ट और रूल्स क्या दोनों सेम चीज होती है या दोनों अलग-अलग चीजें होती है क्या लगता है आपको क्या एक्ट और रूल्स दोनों सेम चीज होती है या अलग-अलग चीजें होती है मैं आपको बता दूं सर एक्ट और रूल्स दो अलग-अलग चीजें होती है सर क्या अलग अलग होता है दोनों के अंदर में मैं आपको बता दू एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ वाइल्ड रूल्स कंटेन लॉ नहीं देता हालांकि ऐसा नहीं है कि रूल्स कोई लॉ लॉ नहीं देता, रूल्स भी देते हैं, बट मोटे मोटे तौर पे अगर आप एक बेसिक डिफरेंस पूछते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इसे अलग शब्दों में समझाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपको आपकी इनकम अगर दो लाख पचास हजार से ऊपर जारी होगी तो यू नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम एक्ट ने कह दिया रूल्स आपको बताता है कौन सा रिटर्न भरना है कौन से फॉर्म में भरना है कब तक भरना है किस मेथड में भरना है कौन से मोड में भरना है टैक्स पहले देना है टैक्स बाद में देना है कहां से आएगी कहां को जाएगी ये सारे पॉइंट रूल्स देता है तो अब मैं आप सभी लोगों से सारे महानुभवों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या दोनों अलग अलग रीड करना चाहिए या अब एक साथ रीड करना चाहिए आप मेरी इस बात का जवाब जरूर देंगे बताइए कि क्या अब ये दोनों अलग अलग रीड करना चाहिए या दोनों एक साथ रीड करना चाहिए जैसे कि मैंने कहा एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ दोनों को जब साथ में रीड करना पड़ेगा तभी मजा आएगा इसीलिए जब आपको बोला जाता है इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है आपको टेक्निकली सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ना होता इनकम टैक्स रूल्स भी आपको साथ साथ में पढ़ने होते हैं सर पर वो एक सवाल तो अब भी बाकी रहा एक्ट 61 में क्यों लाए और रूल्स 1962 में क्या लाए पता है आई नो मैं बताएगा तेरे को रुक जा जाबर रख पहले दिन आके पूरा इनकम टैक्स नहीं समझ लेगा तू धीरे धीरे जाएंगे हॉले हॉले जाएंगे चलो तो ध्यान से सुनना साहब दोनों को साथ में रीड करना होगा इसके अलावा तुमने और भी कुछ पॉइंट सुने होंगे ध्यान से सुनना कभी सुना है इस बारे में नोटिफिकेशन एक और वर्ड तुम लोगों ने जरूर सुना होगा और वो है सर्कुलर मैं तो कहता हूं दोनों सेम है चलो बोलो नोटिफिकेशन भी सेम है सर्कुलर भी सेम है बोलो हाँ हाँ जल्दी बोलो हाँ हाँ नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर सेम है बोलो हाँ हाँ नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर दोनों सेम चीज है जल्दी से बोलो हां हाँ आकांक्षा जी कह रही है अलग है सर नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन वाइड होता है है अच्छा मोइल कह कह रहे है कह रहे हैं हैं नो अक्षय यस एंड सर्कुलर सेम चीज जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई मोबाइल तुम्हारे हाथ में जल्दी जल्दी कमेंट करो सौरभ कह रहे हैं नो सर दोनों सेम सेमे मैं कह रहा हूं दोनों सेम है मैं, मैं 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 क्या बता रहा हूं दोनों सेम है चलो एक्सेप्ट करते हैं आज इस बात को दोनों सेम है चलो डन करो पूरे एक्ट को हिला दिया अरे साहब पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है वर्ड बड़े सिंपल है साहब पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो डीप में जाएंगे और साला नेक्स्ट टाइम किसी ने तुमसे कोई क्वेश्चन ही किया तो तुमको ऊपर से नीचे तक पूरी चीज पता होनी चाहिए हम्म hmm. तो सर एक जन लिख रहा है पता नहीं जी कौन सा नशा अरे नाला है डिफरेंट है डिफरेंट है चलो जी अलग है तो अलग क्या है मुझे बताएंगे एनीबॉडी व्हाट इज नोटिफिकेशन व्हाट इज सर्कुलर क्या अलग है दोनों में सर सर्कुलर डिपार्टमेंट के लिए होता है शुभम मित्तल जी कह रहे हैं सर्कुलर डिपार्टमेंट के लिए होता है ठीक है साहब और ये बीच में नालायक कौन है गौरव रिजल्ट कब आएगा बेटा नहीं आ रहा रिजल्ट बाजू जा तू सर्कुलर डिपार्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट होता है नोटिफिकेशन कम्युनिकेशन होता है कोई चेंज का नोटिफिकेशन होता है अच्छा सर्कुलर क्लैरिफाइज द डाउट वेरी गुड सर स्पेलिंग का डिफरेंस है कौन ये अंकित यादव स्पेलिंग का डिफरेंस है बाय रिस्पेक्ट चलिए मैं आपको बताता हूं अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनना सर व्हाट इज नोटिफिकेशन कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज जी हाँ कई बार प्रोसेस में टेक्निकल प्रॉब्लम आती है इस बात को मैं आपको और भी बताऊंगा कई बार प्रोसेस के अंदर में टेक्निकल प्रॉब्लम आती है और इस टेक्निकल प्रॉब्लम को सुधारा जाता है ये ऐसे रूल्स डिपार्टमेंट के पास है ऐसे पावर डिपार्टमेंट के पास है कि वो रूल्स के अंदर में क्या कर सकते कर सकते सकते हैं, हैं। चेंजेस और जब भी रूल्स के अंदर में कोई चेंजेस किए हैं ये लोगों तक के नोटिफाई किए जाते हैं छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए पिछले साल तक के रिटर्न ऑफ इनकम जो थे इसके अंदर में सपोज कर लीजिए आधार की डिटेल डालना जरूरी नहीं था इस बार भारत सरकार हर चीज को आधार लिंक कर रही है उन्होंने रिटर्न में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया आधार अब लोगों तक के इसे कैसे पहुंचाए आप सोचिए 135 करोड़ की जनता है गूगल के हिसाब से आज की 135 करोड़ लोगों तक के कैसे पहुंचाया जाए तो डिपार्टमेंट क्या करता है डिपार्टमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल निकाल देता है कि आपके जो आईटीआर है इसके अंदर अब आधार भी मैंडेटरी होगा और इस नोटिफिकेशन के तहत सबको कम्युनिकेट कर दिया जाता है वट इज नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ चेंज चेंज इन वॉट मे बी चेंज इन एक्ट मे बी चेंज इन रूल्स मे बी चेंज इन प्रोसीजर एनीथिंग चेंज इन एक्ट चेंज इन रूल्स चेंज इन प्रोसीजर कुछ भी हो सकता है अच्छा जर। सर सर नोटिफिकेशन आया है मुझे भी चाहिए मुझे भी देखना है कहां मिलेगा मुझे भी देखना है नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा मैं आपको बताएगा तेरा भाई तेरे को बताएगा मेरे भाई नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा नोटिफिकेशन तुझे दो जगह मिल सकता है भारत सरकार की एक ऑफिशियल वेबसाइट है ई गैजेट डॉट निक ये एक भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर तो मिलेगा ही मिलेगा साथ साथ में income टैक्स .in. इस वेबसाइट पे भी मिल सकता है सो अवेलेबल ऑन इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी डॉट इन और ई गैजेट डॉट निक डॉट इन इन दोनों में से किसी के ऊपर भी आपको ये चीज अवेलेबल हो सकती है अच्छा जी सर सर भारत सरकार तो ऐसी कई नोटिफिकेशन निकालती होगी हमारे एग्जाम के लिए कहां तक का नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है क्या एग्जाम से एक दिन पहले वाला नोटिफिकेशन भी हमें एप्लीकेबल है आंसर इज नो ऑल नोटिफिकेशन सिक्स मंथ्स बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल ऑल नोटिफिकेशन सिक्स मंथ्स बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल तो जैसे आपका मे है आपका एग्जामिनेशन मे ट्वेंटी तो नवंबर तक के जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, होंगे बाय तो डिफॉल्ट के अंदर में यस yes? अब आप ये पूछेंगे सर्कुलर मतलब क्या होता है पूछो ना सर्कुलर मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा सर्कुलर मतलब क्या होता है सर सर्कुलर मतलब क्या होता है सर्क्युलर इज क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट क्लैरिफिकेशन क्या क्लैरिफिकेशन किस बात का क्लैरिफिकेशन मैं आपको समझाता हूं साहब किस बात का क्लैरिफिकेशन देखिए होता क्या है इस बात को बड़े अच्छे से समझना अगले दस मिनट पेन नीचे रख देना सर्कुलर नोटिफिकेशन एक्ट सारी चीजें एक साथ समझा दूंगा यहां से दस मिनट पेन नीचे रख देना और सीधा मोबाइल टिका के रखना अपने पास देख मेरे भाई तीन बातें समझ लॉ मेकर लॉ इंप्लीमेंटर लॉ इंटरप्रिटर इसको लिख दो पूरा ज्ञान पूरा ज्ञान कौन सी चीज किसके साथ कैसे वर्क करती है जरा ध्यान से सुनना लॉ मेकर लॉ मेकर ये वो लोग होते हैं जो भारत सरकार के अंदर में पहली बार लॉ बनाते हैं ये वो लोग होते हैं जो किसी भी एक्ट को लेकर के आते हैं ये वो लोग होते हैं जो बिल ड्राफ्ट करके बनाते हैं अब आप ये पूछेंगे अभी अगर रिसेंटली देखे तो फार्मर प्रोटेस्ट चालू है किस चीज के ऊपर चालू है फार्मर बिल के ऊपर चालू है अब पहला कोई लॉ बनाया जा रहा है कोई लॉ बनाया जा रहा है जिसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चालू है पहली चीज लॉ मेकर ने लॉ बनाया अब सवाल पहला ये लॉ मेकर कौन होते हैं चलिए आपसे एक सवाल मन में पूछता हूं किसी ने कमेंट नहीं करना कुछ नहीं करना अपने मन में सवाल देखना और जवाब भी समझना ये लॉ मेकर होते कौन है आखिर भारत में लॉ बनाता कौन है एडवोकेट जज तो आखिर ये लॉ बनाता कौन है सर मे भी दर्शन सर बनाते होंगे लॉ टीचर ना वो लॉ पढ़ाते हैं लॉ बनाता कौन है सर मैं आपको बता दूं, लॉ बनाता कौन है लॉ बनाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ध्यान से सुनना दे क्रिएट द लॉ दे क्रिएट द बिल इन अब जैसे इनकम टैक्स की बात है तो रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर के क्या बनाया जाता है लॉ प्रिपेयर हुआ लेट अस सपोज इनकम टैक्स का लॉ प्रिपेयर हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लॉ बनाता है और उसके साथ साथ जिस भी रिलेटेड लॉ बनने वाले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस विद अप्रोप्रियट मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस विद एप्रोप्रियट मिनिस्ट्री दोनों मिल करके बनाते हैं अब एक बना दिया. ध्यान से सुनना अब क्या होता है लॉ मेकर ने लॉ बनायाल गवर्नमेंट नवर्नमेंट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए मिनिस्ट्री बनाई दी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अलॉन्ग विध मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनने अपना एक लॉ बना ओके okay. so, होगा राइट right? अब जरा समझिएगा मिनिस्ट्री ने अपने लॉ बना दिया ये लॉ बनाने के बाद क्या हुआ सबसे पहले इसका क्या बनता है साहब बिल बनता है बराबर है ये पार्ट आप लोगों ने पढ़ा है कहां से फाउंडेशन से भी ये लोग अपना एक बिल बनाते हैं बिल बनाने के बाद ये जाता है साहब बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कुछ याद आ रहा है और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये जाता है प्रेसिडेंट असेंट और इसके बाद ये बन जाता है एक्ट ये वो पार्ट है जो तुमने ऑलमोस्ट फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा कि मिनिस्ट्री क्या करती है मिनिस्ट्री सबसे पहले कोई लॉ बनाती है जिसे हम कहते हैं बिल जिसे आज के तारीख में कहा जा रहा है फार्मर्स बिल बराबर है फिर फार्मर्स बिल एक बार बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू अगर क्लियर हो गया बोथ ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्लियर हो गया तो इसके बाद यह जाएगा प्रेसिडेंट असेंट के लिए जब प्रेसिडेंट साहब इस पर असेंट दे, दे देंगे तो यह क्या बन जाएगा साहब एक्ट बन जाएगा लॉ मेकर की जिम्मेदारी यहां पे खत्म हो गई उसने अपना एक कानून बना दिया लॉ बना दिया लॉ मेकर की जिम्मेदारी यहां पे खत्म हो गई अब लॉ मेकर की जिम्मेदारी के बाद आता है लॉ इंप्लीमेंटर लॉ इंप्लीमेंटर के लिए क्या किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जरा ध्यान से सुनिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दो बोर्ड बनाए हैं सीबीडीटी सीबीआईसी, सीबीडीटी एंड सीबीआईसी सीबीडीटी स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यह आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है CBIC stands for Central Board of Indirect Taxes and Customs. CBDT और CBIC बनाया गया ध्यान से सुनिएगा जैसे ही सीबीडीटी और सीबीआईसी बनाया ये क्या करते हैं ये रूल्स फ्रेम करते हैं इसके इंप्लीमेंट के लिए ये रूल्स फ्रेम करते हैं इस लॉ के इंप्लीमेंट करने के लिए इस लॉ को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं ये रूल्स फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले लॉ मेकर ने लॉ बनाया कहा थे हम नोटिफिकेशन सर्कुलर पे थे वहां से पूरा गेम समझने के लिए आए कि आखिर ये दो चीजों की जरूरत क्यों पड़ी लॉ मेकर ने अपना लॉ बनाया लॉ इंप्लीमेंटर ने क्या किया अब उस लॉ को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर ली राइट अब ये लॉ क्या करेंगे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे सारे डिपार्टमेंट वालों को बताएंगे कि भैया इस इस तरीके का नया लॉ आया है ये नई प्रोसेस है इस तरीके को कानून को इंसर्ट करना है लोगों से इसका कंप्लायंस करवा के लेना है सो ऑन एंड सो फोर्थ अब क्या किया गया जरा समझिएगा लॉ मेकर ने जैसे ही एक्ट बनाया सबसे पहले इस एक्ट कोई नया एक्ट आया है लोगों तक पहुंचाने के लिए किसका यूज किया जाता है नोटिफिकेशन का यूज किया जाता है लोगों तक पहुंचाने के लिए कि लीजे साहब लीजिए ये कोई नया एक्ट हम लेके आए हैं एक्ट उस दिन से लागू होता है जिस दिन से नोटिफाई किया गया हो एक्ट उस दिन से लागू होता है जिस दिन से क्या किया गया हो नोटिफाई किया हो तो नोटिफिकेशन लेकर के आते हैं और नोटिफाई कर दिया जाता है ऑफिशियल गैजेट के अंदर में जब लॉ बन गया इसको क्या कर देते एक्ट बन गया इसे क्या कर देते नोटिफाई कर देते नोटिफिकेशन निकाल देते बराबर है अब सर्कुलर का रोल कहां प्ले आता है मैं आपको बताता हूं लॉ लॉ मेकर ने इंप्लीमेंट कर दिया कह दिया कि भैया ये लॉ आया है ये हमें इंप्लीमेंट करना है अब ऐसा हो सकता है क्या डिपार्टमेंट वाला लेट से सी आई टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सी आई टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लॉ मेकर ने लॉ रख दिया अब हो सकता है इसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रिट किया जा सकता है पॉसिबिलिटी है बिल्कुल पॉसिबिलिटी है हो सकता है जो सी पुणे में बैठा हो जो सी मुंबई में बैठा हो इसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जो सीआईटी दिल्ली में बैठा हो इसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जो सीआईटी कोलकाता में बैठा हो उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जो सीआईटी दिल्ली में बैठा हो लेट्स से चेन्नई में बैठा हो उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है सर बिल्कुल पॉसिबल है तो ऐसे केसेस में क्या होता है डाउट होता है अब आप सोच के सोच के के देखिए देखिए एक सिचुएशन को जरा जरा राइट बहुत जोर से से आपका पेट दुख रहा है ध्यान से सुनना सर्कुलर को बड़े आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको बहुत जोर से पेट दुख रहा है आप गए डॉक्टर के पास डॉक्टर साहब बहुत जोर से पेट दुख रहा है बहुत जोर से पेट दुख रहा है डॉक्टर साहब बोले हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं सिंपली गैस है बैठो इधर बैठो जरा बैठो हाँ गैस है निकल जाएगा कोई टेंशन नहीं जाओ फिर भी पेट सामने हो आप दूसरे डॉक्टर के पास गए दूसरे डॉक्टर के पास गए डॉक्टर साहब बहुत पेट दुख रहा है बहुत जोर से पेट दुख रहा है दो डॉक्टर हाँ बताओ 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 इधर बताओ सोनोग्राफी करनी पड़ेगी हाँ ठीक you know, है ठीक है आपको यू नो लिटिल लिटिल इश्यूज है सॉल्व हो जाएंगे जाओ तीसरे डॉक्टर के पास गए तीसरा डॉक्टर कहता है हाँ पेट की जो हड्डी है ना उसमें प्रॉब्लम है पेट की हड्डी पेट की हड्डी उसमें प्रॉब्लम है जाओ ठीक हो जाएगा चौथा डॉक्टर के पास गए डॉक्टर कहता है तो वो हो गया जो नहीं होना था माई गॉड इमेजिन कीजिए अगर एक ही चीज के ऊपर एक ही चीज के ऊपर चार अलग अलग ओपिनियन आ जाए लोगों का भरोसा नहीं उठ जाएगा ठीक उसी तरीके से एक लॉ पे सीआईटी पुणे कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट कर रहा है सीआईटी दिल्ली कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट कर रहा है सीआईटी बॉम्बे न्यू दिल्ली चेन्नई कोलकाता इन सब के अलग अलग ट्रीटमेंट आ रहे हैं लोगों का भरोसा नहीं उठ जाएगा भरोसा उठ जाएगा नहीं उठ जाएगा बिल्कुल उठ जाएगा इसीलिए क्या किया जाता है एक कॉमन कॉमन जो इशू है जो डिपार्टमेंट के सामने आते हैं उसके लिए क्लैरिफिकेशन इश्यू किया जाता है सर्कुलर का और इसी वजह से यही रीजन है इसी वजह से इट इज मैंडेटरी डिपार्टमेंट एंड नॉट मेंडेटरी टू एस एससी पब्लिक कोर्ट सर्कुलर में आप एक पॉइंट जरूर पढ़ेंगे ये पॉइंट होगा इज मैंडेटरी टू डिपार्टमेंट सर्कुलर डिपार्टमेंट क्यों मैंडेटरी है क्योंकि ना हो पुणे मुंबई वाला कुछ अलग, 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 अलग नीचे बैंगलोर चेन्नई वाले कुछ अलग ऐसा नहीं होना चाहिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अपनाया जाए इसीलिए डिपार्टमेंट सर्कुलर निकालता है कि एटलीस्ट हमारे यहां से सभी कॉमन प्रोसीजर्स में जाए सभी

ऐसे कैसे नहीं दोगे अरे मेरे धंधे के लिए बिजनेस एक्सपेंडिचर है मेरे धंधे के लिए मैंडेटरी एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा असेसी का ओपिनियन बदल सकता है इसीलिए असेसी पे मैंडेटरी नहीं किया असेसी का ओपिनियन बिल्कुल बदल सकता है डिपार्टमेंट के ओपिनियन नहीं बदलने चाहिए इसलिए सर्कुलर सर सर्कुलर कब तक के एप्लीकेबल है ऑल सर्कुलर सिक्स मंथ्स बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल अब पूरा गेम समझ आया नोटिफिकेशन कैसे बाहर आता है सर्कुलर क्यों आता है अब आपसे एक सवाल है बताओ बेटा इनकम टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ना है या इनकम टैक्स भी पढ़ना है रूल्स भी पढ़ना है नोटिफिकेशन भी पढ़ना है सर्कुलर भी पढ़ना है बराबर ना चारों पढ़ने पड़ेंगे ना यही वो रीजन है मालिक यही वो रीजन है चलिए ध्यान से सुनिए। अब क्या होता है मैं वापस इस हिस्ट्री में आ रहा हूं लॉ मेकर ने अपना लॉ बना दिया ध्यान से सुनना बेटा लॉ मेकर ने अपना लॉ बना दिया लॉ इंप्लीमेंटर ने अपना लॉ इंप्लीमेंट कर दिया अब इंप्लीमेंट करने में आपका ओपिनियन अलग हो सकता है उनका ओपिनियन अलग हो सकता है और जब दो लोगों के विचार मत ना करें तो बताओ क्या होता है जब दो लोगों के विचारधारा मैच नहीं करती ना तब होता है आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एन मोर वी शुड सेपरेट वो होता है ना वो दीदी जो होती है दीदी कहती है आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग यू 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 डोंट डोंट हैव हैव टाइम टाइम आर डूइंग एंड एंड दैट्स नो इट्स नॉट एन मोर तो सॉरी अब जब लॉ बन गया लॉ इंप्लीमेंट हो गया इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरत है कि दो लोग इस लॉ के ऊपर चले लेकिन इसके अंदर आते हैं डिस्प्यूट इसके अंदर क्या आते हैं डिस्प्यूट और इस डिस्प्यूट को सुधारता है लॉ इंटरप्रिटर हु डिस्प्यूट अब ये डिस्प्यूट कौन सॉल्व करते हैं सबसे पहले आप अपील में जा सकते हो आप हायर अथॉरिटी को अपील कर सकते हो कि सर आपका जो ऑफिसर है ये मेरी बात नहीं सुन रहा है आप अपील में जा सकते हो दूसरा हो सकता है आप रिविजन में जा सकते हो रिविजन मतलब क्या होता है आप डिपार्टमेंट के पास जाओगे उसके हायर अथॉरिटीज के पास जाओगे बोलोगे ये जो आपका ऑफिसर है ना ये मेरी बात नहीं सुन रहा है इसको प्लीज कैंसिल कीजिए बराबर है या फिर ऑर्डर अगर कभी गलत हो तो आप रेक्टिफिकेशन के लिए भी जा सकते हो खैर लॉ इंटरप्रिटर्स जो होते हैं ये डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं मेनली आई या कोर्ट जो होते हैं अब जरा पूरे बात को ध्यान से सुनना बड़े बात को ध्यान से सुनना बड़े बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई इधर 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 देख इदर देख इदर देख पेन छोड़ रहे पेन छोड़ इधर देख लॉ मेकर ने लॉ बनाया इंप्लीमेंटर ने उसे इंप्लीमेंट कर दिया नोटिफिकेशन निकल गए डाउट होगा तो सर्कुलर निकल गए अब अब दोनों के बीच में बातें होती है संवाद होता है एक दूसरे से बात करते हैं और जब इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर तो आता है डिस्प्यूट और इस डिस्प्यूट के लिए आप जाते हो कोर्ट कोर्ट के के अंदर में, के अंदर में में जाकर के कहते हो सर नहीं ये नहीं हो रहा आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग है वेन इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकता है जिनको सही में ऐसा लगेगा मा कसम सही में डायरेक्ट टैक्सेस का लेक्चर चालू है समझ ही नहीं आ रहा ये डायरेक्ट टैक्स ही पढ़ रहे ना अपन ईमानदारी से डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो बस पढ़ाने का तरीका अलग है साहब पढ़ाने का तरीका ऐसा अलग है इसीलिए आपके दोस्त भाई यार रिश्तेदार ने आपको ये लेक्चर रिकमेंड किया ध्यान से सुनना तो सर अब आप गए कोर्ट के पास कोर्ट के पास जाकर के आपने क्या किया कोर्ट के पास जाकर के आपने पूरा का पूरा ये मैटर को बताया कोर्ट ने अप्रोप्रिएट जजमेंट दिया अब जरा ध्यान से सुनना आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा ना हर साल बजट लाते हैं और इनकम टैक्स एक्ट को चेंज कर देते हैं आपने सुना ही होगा कि टैक्स हर बार चेंज होता है तो इनको कैसे समझ आता है कि टैक्स को चेंज करना है इनको कैसे समझ आता है कि एक्ट को चेंज करना है इनको कैसे समझ में आता है किधर क्या कैसे अमेंडमेंट करनी है आपके सामने ही तो प्रोसेस है

डिस्प्यूट अराइज हुआ हमें नहीं चाहिए फ्यूचर में इसके ऊपर डिस्प्यूट सारे स्टडीज के डिस्कस किया जाता है कि मैम, मैम, साल भर में हमें ये पॉइंट आए हैं ये ये केस लॉ है लोगों के इस पे डिस्प्यूट्स आए हैं हमें इस लॉ पे क्लैरिटी चाहिए और इधर अमेंडमेंट हमें करना है एंड हेंस यही अगले साल अमेंडमेंट बोल के आता है किसी के सपने में नहीं आता मेरी बात ध्यान से सुनना किसी के सपने में नहीं आता राइट यू नो आप कभी सोच के देखिएगा फाइनेंस मिनिस्टर सोए हैं फाइनेंस मिनिस्टर सोए हैं आकर के हेलो हेलो सुनना हेलो प्लीज उठो और ये ये ये, ये अमेंडमेंट कर देना ऐसा नहीं होता है किसी के सपने में नहीं आता अगले साल क्या अमेंड करना है ये है आपके सामने पूरा, का पूरा प्रोसेस वर्क कैसे करता है। ऐसे ही नहीं आ जाता लौ लौ बनाता है इंप्लीमेंटेशन में जहां जहां तकलीफ आई वो लिख के रखते हैं केस लॉज से जो इनपुट्स आते हैं वो लिख के रखते हैं मीटिंग में डिस्कस होता है और ये अगले साल अमेंडमेंट का पार्ट बनता है एंड दैट्स हाउ अमेंडमेंट थिंग्स पिक्चर मजा जरूर आया होगा और आया है तो सर लिख के रखिएगा सर बहुत मजा आया इस बात पे तो कमेंट जरूर चाहूंगा बहुत मजा आया अगर सच में तुम्हें मजा आया होगा तो तो सर क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने जल्दी जल्दी देखते हैं हमने कहा थे सर हम मतलब आपने इतना मजा कराया सर कहा थे हम हम सबसे पहले थे सर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में इनकम टैक्स एक्ट की पूरी हिस्ट्री पढ़ी फिर हम गए भैया इनकम टैक्स में पढ़ना क्या है सेक्शंस पढ़ने हैं तो हम पूरे सेक्शंस को खोद खाद के निकाला हमने सेक्शन को कैसे रीड करते इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शंस हैं यू नो एक्सप्लेनेशंस कितने हैं प्रोविजो प्रोवाइडेड डेट कितने हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिख करके निकाली फिर हमने समझा कि क्या एक्ट और रूल्स सेम होते हैं नहीं हमें समझ में आया एक्ट और रूल्स दो अलग अलग चीज़ें होती है फिर हमने समझा कि हमने नोटिफिकेशन और सर्कुलर जैसी भी कोई चीजें पड़ी है वो नोटिफिकेशन और सर्कुलर हम लोगों ने यहां पे क्लासीफाई किया नोटिफिकेशन और सर्कुलर हमने यहां क्लासीफाई किया ये सुनो, चलिए, अब आते हैं आगे एक सवाल जो आपके मन में अभी भी चल रहा है एक्ट 1961, रूल्स 1962 ऐसा क्यों बताएंगे जरूर बताएंगे अभी हम लोग एक और पॉइंट पर जाते हैं कि सर हमें पेपर तो लेना है लेकिन पेपर पैटर्न कैसा होगा पेपर पैटर्न कैसा होगा आज पहले दिन ही अगर हमें यह पता चल जाए कि पेपर पैटर्न कैसा होगा तो हम बहुत आसानी से चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे आइए जरा समझते हैं पेपर पैटर्न क्या होगा टैक्सेशन आपका फोर्थ पेपर है ध्यान से सुनिएगा साहब टैक्सेशन आपका फोर्थ पेपर है सीए इंटर का तो प्लीज ये भी लिख के रखिए प्लीज ये लिख के रखिए फोर्थ पेपर इज ग्रुप वन डीटी और आई दोनों भी सेपरेट पेपर होते हैं मतलब आपको दो आंसर शीट मिलती है डी टी की आंसरशीट अलग मिलती है जीएसटी की आंसरशीट अलग मिलती है ध्यान से सुनिएगा डी टी की आंसर शीट अलग मिलती है जीएसटी की आंसरशीट अलग मिलती है सात क्वेश्चन आपको इन टोटल में मिल सकते हैं इसके अंदर में वेन इट कम्स टू डायरेक्ट टैक्सेस आपको पता होगा डीटी कितने मार्क्स का है साहब डायरेक्ट टैक्स सिक्सटी मार्क्स का है डीटी सिक्सटी मार्क्स का है और वो सिक्सटी मार्क्स कुछ इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर वन जो होगा ये हमेशा कंपलसरी होगा और ये दस मार्क का आता है क्वेश्चन नंबर वन जो होगा ये हमेशा कंपलसरी होगा ये दस मार्क का आता है और इसके अलावा टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये क्वेश्चन आते हैं हर क्वेश्चन के अंदर में पार्ट ए पार्ट बी या पार्ट सी डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स का कॉम्प्राइज कैसे होता है उस हिसाब से आपको दस दस मार्क के क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से आपका पूरा सिक्सटी मार्क का डायरेक्ट एक्सेस बनता है तो सर ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को पहले लिख लीजिए राइट right? तो ध्यान से सुनिएगा वापस से डीटी एंड जीएसटी अलग अलग पेपर के अंदर में सॉल्व करना होता है डायरेक्ट टैक्स सिक्सटी का है वाइल जीएसटी फोर्टी का है और आ, मैं आपको बता दू छ रहेंगे हर क्वेश्चन दस मार्क का होगा ये दस मार्क का क्वेश्चन एक ही बड़ा होगा ये जरूरी नहीं है ये आपको दो पार्ट में भी हो सकता है एक भी हो सकता है जिस तरीके से इंस्टीट्यूट चाहता है वो डिवाइड कर सकता है अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं अगर सी एस सी एम ए वालों के लिए देखे तो ये हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स के सब्जेक्ट बनते हैं कंटेंट इससे थोड़े से ज्यादा है जिसके बारे में मैं अलग से आपका एक वीडियो डालूंगा उसके अंदर मैं बता दूंगा बट पहले बारह टॉपिक तो बिल्कुल कॉमन है कोई प्रॉब्लम नहीं है यह yes सुनो no? पहले बारह टॉपिक तो बिल्कुल कॉमन है कोई प्रॉब्लम नहीं है डन ये था सर आपका पेपर पैटर्न पूरा का पूरा अब मैं आता हूं एक और पॉइंट पे सर इंडिया में टैक्सेशन का बेसिस क्या है सुनिएगा इंडिया में टैक्सेशन का बेसिस क्या है बेसिस का मतलब यह है कि सर इंडिया में टैक्स कैसे लगाए जाते हैं क्या यह प्रोग्रेसिव बेसिस पे है या यह रिग्रेसिव बेसिस पे है प्रोग्रेसिव बेसिस मतलब बढ़ता क्रम रिग्रेसिव बेसिस मतलब गिरता क्रम इंडिया में टैक्सेस किस तरीके से लगाए जाते हैं सर इंडिया में टैक्सेस है प्रोग्रेसिव बेसिस पे ध्यान से सुनिएगा द बेसिस ऑफ टैक्सेशन ये पॉइंट भी लिख के रखिएगा द बेसिस ऑफ टैक्सेशन इज प्रोग्रेसिव बेसिस हायर द इनकम हायर द टैक्स जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी भारत में आपका टैक्स भी उस हिसाब से बढ़ता जाएगा हायर द इनकम हायर द टैक्स इतना सिंपल बेसिस है तो ये भी लिख के रखिए द टैक्स इज ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस द टैक्स इज ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस हायर द इनकम हायर द टैक्स द टैक्स इज ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस हायर द इनकम हायर कई लोग पूछ सकते हैं कुनाल पे क्या कर रहे हैं मैं सर एक बहुत बड़ा फैन भी हूं उनका बिकॉज जिस तरीके से वो कहते हैं पूछता है भारत या अदर चीजें मैं बड़ा फैन हूं तो आप भी ये पूछ रहे हैं उस चीज को डिनोट कर रहा है। तो सर इंडिया में टैक्स सिस्टम कैसा है बेटा प्रोग्रेसिव बेसिस जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे, वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा Is दैट डन मालिक हमने आज एक और बात डिस्कस करी कैसे सेक्शन को रीड किया जाता है एक्ट क्या होता है नोटिफिकेशन क्या होते हैं सर्कुलर क्या होते हैं रूल्स क्या होते हैं इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया डन सर चलो सर तो ये सारी चीजें हैं मैं बस आज के लिए आपको यहीं रोक रहा हूं पॉइंट समझिए मैं आपको नोट्स वगैरह भी दिखाना चाहता हूं आज सारी चीजें सबसे पहली बात आपके डीटी के नोट्स बन चुके हैं हम लोग ये जो पहला चैप्टर है पहला चैप्टर करीब आपको सात दिन तक के तो बहुत अच्छे से चल जाएगा राइट और ये पहला चैप्टर जो है ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं तुरंत मैं इसके नीचे टेलीग्राम चैनल दे दूंगा मालिक एक बात मैं आपको बता दूं आज का जैसा लेक्चर हुआ है हर लेक्चर ऐसे ही होते हैं आप किसी से भी पूछ सकते हैं मेरा विश्वास बड़ा क्लियर है पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो जिसका मतलब यह है जो भी पढ़ो डीप में पढ़ो ऐसा हो सकता है एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन जो नॉलेज लेकर के जाएंगे वो बहुत डीप लेकर के जाएंगे सब बात क्लियर है दूसरी बात मैं खुद एक एवरेज बच्चा हूं मैं इस बात को बहुत अच्छे से प्रमोट करता हूं कि बच्चे के मन में अगर कोई डाउट आया है तो वो डाउट मुझ तक पहुंचना चाहिए अब ये डाउट कैसे पहुंचेगा आप बुक के नीचे देख सकते हो मेरा नंबर दिया हुआ है बुक के नीचे आप देख सकते हो मेरा नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे मैं कुछ बातें आपको फटाफट बता दू फिर हम आगे देखेंगे इफ एनी सर अगर आपको कभी भी कोई डाउट आता है इस डाउट को आपको क्या करना है इस डाउट को आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है सर लेक्चर्स चालू होते हैं फाइनल के लेना है इंटरनेशनल टैक्स लेना है डायरेक्ट टैक्स लेना है इट इज नॉट पॉसिबल मैं मल्टीपल टाइम्स फोन पे नहीं अवेलेबल हो पाता हूं तो प्लीज आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कीजिए मुझे यस yes, व्हाट्सएप करने के बाद आप प्लीज उसके लिए इंतजार भी कीजिए क्योंकि हमारा भी घर बार बीवी बच्चे है तो उनका भी हमें टाइम देना पड़ता है हम व्हाट्सएप के ऊपर आपकी क्वेरीज को हैंडल करेंगे अच्छा सर सर मान लीजिए कोविड सिचुएशन चालू है कोई अमेंडमेंट आता है जैसे मैंने अभी मई 21 नवंबर 21 की क्लासेस ले ली कोई अमेंडमेंट आता है इफ एनी तो हम क्या करेंगे मैं आपको बहुत बता दू। अगर आपका मे ऑब्लिक जून अमेंडमेंट तो को हम कब करेंगे आपको मार्च के सेकेंड वीक के अंदर में सेकेंड वीक के अंदर में यूट्यूब के ऊपर इस पर एक फ्री लेक्चर मिल जाएगा जिसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कंफर्म होंगे नवंबर अगर दिसंबर है तो आपको सितंबर के सेकेंड वीक के अंदर में सितंबर के सेकेंड वीक के अंदर में अगेन यूट्यूब के ऊपर इसके लिए एक लेक्चर मिल जाएगा जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा राइट अमेंडमेंट सारे उसके अंदर में क्या कर दिए जाएंगे सर कवर कर लिए जाएंगे और जिसके नोट टेलीग्राम के ऊपर डाल दिए जाएंगे ये yes सोनो no? वैसे जो अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं ये सारे के सारे अमेंडेड है बट आप सभी को बता दू कोविड सिचुएशन है तो हो सकता है क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि कई अमेंडमेंट्स आते हैं

अब ये एमसी एन क्वेश्चन एयर क्या है क्वेश्चन एयर के अंदर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करके दिए हुए हैं तो आप वो ले सकते हो तीसरी चीज जो है आपको आएंगे सर चार्ट डायरेक्ट एक्सेस के है वो चार्ट में आपको दूंगा और ये चीज ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंटली सबसे पहली डिलीवरी आपकी होगी रेगुलर बुक की और उसके बाद एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम मे बी आफ्टर अ मंथ आपको एम एन क्वेश्चन एयर मिल जाएंगे एमसीक्यू उससे पहले आपको वैसे भी सॉल्व नहीं करना है, हाँ है और भी उसके बाद ही आएंगे तो एज ऑफ नाउ जब भी आप कोई पेन ड्राइव गुगल ड्राइव या बुक्स ऑर्डर करते हैं आपको जब भी ऑर्डर करेंगे चाहे बुक्स ही क्यों ना ऑर्डर कर रहे हो ये चारों चीजें मिलेगी लेकिन ये पार्ट्स पार्ट्स में मिलेगी एज ऑफ नाउ सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ रेगुलर बुक मिलेगा और उसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की डिलीवरी समय समय पे आ जाएगी उसके लिए आपको बिल्कुल फॉलोअप आप लेने की जरूरत नहीं जब भी जो बुक रिलीज होती है या जो भी बुक आएगी मैं इसका खुद अपडेट आपको दूंगा मैंडेटरीली आपको मेरे साथ अटैच होना है मैंडेटरीली आपको मेरे साथ अटैच होना है कहां सबसे पहली बात आप मेरे साथ इंस्टा पे अटैच हो जाइए ताकि हर संडे को जब मैं कनेक्ट करता हूं डाउट सेशन लेता हूं इंस्टा पे भी लेता हूं तो आप इंस्टा पे सीए विजय साडा सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे वी स्मार्ट अकेडमी एज वेल एज सी ए विजय सारडा को आप मैंडेटरीली सब्सक्राइब करके रख देंगे राइट right? एक बार आपका काम खत्म हो बाहर चल जाओ हम सब्सक्राइबर के लिए दिमाग नहीं लगाएंगे आप जब तक के कुछ ना बोलो तब तक के आपको यहां पे रहना है और नेक्स्ट इज टेलीग्राम टेलीग्राम ये तीन जगह आपको मेरे साथ मैंडेटरीली अटैच होना है क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डालता रहता हूं तो आप यहां पे मैंडेटरीली मुझसे अटैच होंगे मैं इंश्योर कर रहा हूं आपके पास जब तक कि आप सी ए बन जाते तब तक, तक कि आपको इन तीन चीजों से मेरे साथ मैंडेटरीली अटैच रहना है क्योंकि इसमें कोई अपडेट दिया और आप अपडेटेड नहीं रहे तो इशू आ सकते हैं तो प्लीज यहाँ पे अपडेट हो जाइएगा साहब चलिए मैं आपको बुक का एक छोटा सा पार्ट दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए बुक कैसी बनाई गई है बुक्स पहली बात तो मल्टी कलर बनाई गई है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ने में वो मजा नहीं आता जो इस बुक्स के अंदर में आता है येस ओ नो राइट दूसरी बात बुक्स को देखिए किस तरीके से डिजाइन किया गया है बहुत सोच समझिए जब भी कोई चैप्टर चालू हो रहा है सबसे पहले तो पूरे चैप्टर में क्या क्या कवर किया है पेज नंबर वाइज मैंने आपको दिया है इससे होता यह है कि अगर कोई आपको पर्टिकुलर पॉइंट सर्च करना है आप डायरेक्टली उस पेज नंबर पर जाएंगे बुक्स में बहुत कुछ चेंज है दूसरी बात एक अमेंडमेंट इंडेक्स दिया है आपको क्लियर कट बताया गया है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर में अमेंडमेंट कहां कहां पे हुई है तो वो भी आप बहुत क्लियरली कर सकते हैं क्योंकि कई बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको सिर्फ अमेंडमेंट पे भागना होता है तो वो ये पार्ट है क्योंकि कई बच्चे जिनने नवंबर ट्वेंटी लिया है और जो सिर्फ बुक्स लेंगे तो आपको क्लियर कट पता रहेगा कि आपके अमेंडमेंट कहा हैं आपके मास्टर ने इस बात का ध्यान रखा है इसके बाद मैंने हर जगह एक पेज जानबूझ के ओपन रखा है कुछ चीजें लिखने के लिए इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बुक को एक कलर कोडिंग दी है ब्लैक इज द जनरल प्रोविजन ग्रीन इज इंपॉर्टेंट रेड जो होगा ये हमेशा अमेंडमेंट होगा बुक का कलर कोडिंग ध्यान से सुन लीजिए ब्लैक इज अ जनरल प्रोविजन ग्रीन इंपॉर्टेंट शो करेगा रेड अमेंडमेंट शो करेगा और ब्लू हेडिंग है तो ये चार कलर कोड है आप बुक देख सकते हो ये एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ बनाई गई फ्लो चार्ट में बनाई गई बुक है जिसको हम लोग रीड करेंगे यस yes. कल का लेक्चर जब आप आएंगे तो ये चीजें कंफर्म मैंडेटरीली लेकर के आना है ये जो बुक है इसका अगर आप प्रिंट आउट कहीं से निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाली दूंगा वो आप बिल्कुल लिख सकते हैं साथ साथ में अगर आप देखोगे जगह जगह पे जहां जहां पे भी अमेंडमेंट है उसे सेपरेटली हाईलाइट किया गया है कि बॉस ये अमेंडमेंट है सेक्शन के बाजू ये विशाल सर से हम लोगों ने प्रेरित होकर के काम किया है राइट सेक्शन से बाजू कहीं पे अगर कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं जहां मैं चाहता हूं कि आप कुछ पॉइंट्स लिखे वहां पे आपको एक सेपरेटली पेज के बाजू जगह दी गई है ताकि आप ये पॉइंट्स यहां पे लिख लें हेडिंग वाइज आपको एक एक पॉइंट का मैटर बताया हुआ है प्लस आप नीचे जाएंगे जहां जहां पे भी अमेंडमेंट्स हुए आप देख सकते हैं कि जहां जहां पे भी अमेंडमेंट हुआ है उसे रेड करके रखा है सो so दैट आप बहुत इजीली उसे समझ पाए और इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज रखी है वो है पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जी हाँ अब जैसे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सेक्शन ही नया आया है हंड्रेड एंड बी ए तो आपको बड़ा क्लियर रहेगा कि बॉस क्या और किस तरीके से वर्क किया गया है एक और चीज मैं आपको बता दूं यहां पे हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रखे हैं। इस साल बुक में मैंने एक और चेंज किया है और वो चेंज कुछ इस तरीके से किया है कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर में सोल्व रखे हैं और कुछ क्वेश्चन अनसोल्व रखे हैं वो इसलिए भी किया है वो इसलिए भी किया है ताकि कुछ चीजें आप खुद उसको पढ़ के समझ लें अगर कोई सेल्फ स्टडी के लिए भी लेता है तो वो कुछ चीजें खुद पढ़ के ले ले और बाद में यहां पे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कवर किए हैं जैसे बुक के अंदर में एमसीक्यू भी कवर किया अलग से जो एमसीक्यू बुक आएगी वो अलग लेक्चर के दौरान हम कुछ एम करेंगे वो यहां पर लिखा हुआ है प्लस साथ साथ में नो योर एग्जाम ये नो योर एग्जाम क्या है ये पास्ट एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है मॉड्यूल एम या अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये वो है जिनको हम क्लास के क्लास में सोल्व करेंगे ये वो चीजें हैं जो हम क्लास में सोल्व करेंगे क्वेश्चन के अंदर में इससे अलावा कुछ क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पे देखना होगा डन तो इस तरीके से आपकी बुक पूरी की पूरी डिजाइन की गई है एज ऑफ नाउ आपको जो आएगी वो कौन सी होगी बेटा रेगुलर बुक होगी रेगुलर बुक के अलावा बाद में आपको आपकी जो नॉर्मल बुक्स होगी वो मिल जाएगी अच्छा जी कुछ और बातें मैं आपसे कर लू सर लेक्चर के दौरान आपके पास कुछ चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए लेक्चर के दौरान आपके पास कुछ चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए और उन मैंडेटरी चीजों में सबसे पहली चीज है कैलकुलेटर मल्टी कलर पेन मल्टी कलर पेन क्यों क्योंकि सर मैं पूरा डीटी जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको क्लास में लिखवाता हूं अपार्ट फ्रॉम नोट्स मैं आपको फ्लो चार्ट के देता हूं उस टाइम पे मल्टी कलर पेन होना कोई भी मल्टी कलर चलेगा एक ब्लू एक ब्लैक मे भी वो आप देखिएगा कैलकुलेटर मैंडेटरी है कुछ लाओ मत लाओ आपको कैलकुलेटर मैंडेटरी है आपको नोट्स जरूरी है नोट्स के थ्रू जाना हमें बहुत जरूरी है तो सर नोट्स आपके पास होना चाहिए और अराउंड फोर पेजेस का रजिस्टर लगेगा अभी से बता दू 200 पेज कोई काम का नहीं सीधा 400 पेज का रजिस्टर ले लेना 400 पेज का रजिस्टर ही आपको डायरेक्ट एक्सेस के लिए लगने वाला है यस yes, मालिक इसके अलावा आपको डायरेक्ट एक्स्ट्रा नॉलेज रखने की कोई जरूरत नहीं है उसके लिए मैं बैठा हूं डाउट्स के लिए 100 परसेंट मैं बैठा हूं और तुम्हारी हर प्रॉब्लम के लिए मैं बैठा हूं उसका टेंशन मत लो आप ये बात समझ के चलना इस बात से बिल्कुल आना कि हम जब भी कोई लेक्चर लेंगे हमारे को पांच दस मिनट ऊपर एक्स्ट्रा होना ही होना है इस बात से आप कभी भी चलते रहना सर संडे के दिन लेक्चर होगा क्या आंसर इज यस संडे के दिन लेक्चर होता है संडे इज अ फंड लर्न डे और उसके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर भी होते हैं एक्स्ट्रा लेक्चर का मतलब तीन घंटे की जगह मे बी चार या पांच घंटे के लेक्चर हो सकते हैं ध्यान से सुनिएगा इस बात को डन अच्छा जी सर अब मैं आपसे क्वेरीज की डिमांड कर रहा हूं आज के दिन अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपकी क्वेरीज क्या है जो क्वेरीज एकदम सही होगी मैं उसका फटाफट रिप्लाई कर दूंगा एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ आप जो भी क्वेरीज है आपकी पूछिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बुक कहां अवेलेबल होगी स्मार्ट वेबसाइट सर अगर आप वी स्मार्ट वेबसाइट से नहीं जा सकते आप आपके पास ढूंढिए आपके सिटी में ढूंढिए जो सेंटर होगा वी स्मार्ट का अगर कोई सेंटर होगा तो प्लीज वी स्मार्ट सेंटर पे कॉल कीजिए उन्हें बोलिए बुक मंगा के दें, वो आपको बुक मंगा के देंगे या पेनड्राइव मंगा के देंगे तो आप सेंटर के थ्रू भी मंगा सकते हैं बुक को बुक हो या पेनड्राइव हो दोनों चीजें हो सकती है जो पेन ड्राइव आएगा अविरल उसके अंदर में सारे अमेंडेड लेक्चर ही होंगे मैं डेली बेसिस पे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं और डेली बेसिस पे ये अपडेट होंगे जो पेन ड्राइव है इसमें इनिशियली पहले पंद्रह बीस लेक्चर एक साथ आएंगे आप जब तक के वो कंप्लीट करेंगे तब तक के और आपको दूसरे लेक्चर आ जाएंगे तो हो सकता है पेन ड्राइव की डिलीवरी भी मल्टीपल शिपमेंट्स में हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर डीटी में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी Uh, एक मिनट आराम से डीटी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या थे क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सेस में दोनों होता है एज एज वेल प्रैक्टिकल होते हैं मालिक तो ये दोनों का कॉम्बो uh, होता है एक मिनट सर्कुलर भी सेम वेबसाइट पे आते हैं क्या yes, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे सर पेन ड्राइव लेते हैं तो उसके साथ बुक मिलेगी क्या यस yes. अगर कोई पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव ऑर्डर कर रहा है तो उसको सेपरेटली बुक्स ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है ये डायरेक्टली आपको आ जाएगा डायरेक्टली आपको आ जाएगा या मान लीजिए पहले कोई बुक ले लेता है और बाद में पेन ड्राइव ऑर्डर कर रहा है तो उस केस में जो आपका बुक का कॉस्ट होगा उतना फिर माइनस कर दिया जाएगा और फिर सेपरेटली आपको बुक्स नहीं आएंगे आफ्टर रिजल्ट क्या आप हंड्रेड परसेंट लाइव लेंगे आंसर इज नो ये जो लाइव वाले सेशन है या ट्वेंटी परसेंट और थर्टी परसेंट ऑफ द लेक्चर विच एवर इज अर्लियर ये आपको यूट्यूब के ऊपर आएंगे सर बुक कब से डिलीवर होगी हम लोग चार से पांच दिन बाद इस बुक की डिलीवरी चालू कर देंगे वैसे भी पहले आठ दिन तो आपको चैप्टर नंबर वन ही चलने वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उस केस में सर कितने मार्क्स की थ्योरी और कितने मार्क्स की प्रैक्टिकल इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है सिक्सटी में कितना थ्योरी कितना प्रैक्टिकल आएगा ये कॉम्बो हो सकता है सर डाउट के लिए व्हाट्सएप नंबर मिलेगा क्या व्हाट्सएप नंबर बुक के नीचे होगा आप बिल्कुल देख सकते हैं सर सर्कुलर कोर्ट के लिए मैंडेटरी क्यों नहीं है वो इंटरप्रिटर है बेटा कोर्ट ही इंटरप्रिटर है कोर्ट कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है उनके ऊपर ही मैंडेटर कर देंगे तो वो इंटरप्रिटेशन कैसे कर पाएंगे सर लाइव स्ट्रीम रिकॉर्डेड रहेंगे क्या इफ वी मिस्ड एनी लेक्चर लाइव स्ट्रीम जो होंगे ये यूट्यूब के ऊपर एज ऑफ नाउ अवेलेबल होंगे बट आई एम नॉट श्योर आप लाइव अटेंड कीजिए ये इसे निकाला भी जा सकता है नहीं भी निकाला जा सकता है ये वी स्मार्ट के मैनेजमेंट का डिसीजन है टेलीग्राम का लिंक मैं तुरंत दे रहा हूं बुक का प्राइस क्या है बुक का प्राइस भी आपको विस्मार्ट के वेबसाइट से पता चल जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई डिस्काउंट भी चालू है थर्टी फर्स्ट से पहले अगर आप पेनड्राइव ऑर्डर कर देते हैं तो बुक्स तो आपको बाय डिफॉल्ट के अंदर में आएगी प्लस वन थाउजेंड का कुछ डिस्काउंट चालू है मुझे डिस्काउंट के बारे में एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है क्योंकि वहां पे मल्टीपल ऑप्शन आईडीटी ले रहे हैं हमेशा कि पूरे ग्रुप का कॉम्बो आप ले तो हमेशा ज्यादा फायदेमंद होगा उसका रीजन ये है कि आपको हम एक पूरा पैकेज दे पाएंगे राइट वैसे भी आप देख सकते हैं अकाउंट्स के लिए जय चावला सर बेहतरीन ऑलरेडी सीए फाइनल लेवल पे वी स्मार्ट के साथ पढ़ा रहे हैं यू नो कॉस्टिंग के लिए दर्शन चंडालिया सर ऑलरेडी सीए फाइनल लेवल पे पढ़ा रहे हैं हमारे साथ लॉ के लिए दर्शन खरे सर डायरेक्ट एक्सेस के लिए मैं और इनडायरेक्ट एक्सेस के लिए हम सबके गुरु विशाल भट्टर सर अवेलेबल है तो बहुत बेहतरीन टीम है सारे के सारे टीचर सी वी स्मार्ट के साथ आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जितने भी भी टीचर है ये वापस आपको फाइनल लेवल पे वैसे भी मिलने ही वाले हैं तो अभी से आपका एक बहुत अच्छा रेपो बन सकता है दूसरी बात एक आपको एक्सपीरियंस लेवल बहुत अच्छे से समझ में आएगा आज का लेक्चर अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको सारे टीचर्स का एक्सपीरियंस लेवल तो वैसे ही समझ में आ गया होगा और अगर नहीं किया होगा तो सर बिल्कुल कर लीजिए हाँ जी सर लेक्चर मोबाइल पे देख सकते हैं क्या बिल्कुल आप मोबाइल पे देख सकते हो इट शुड बी एन एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल एप्पल पे नहीं चलेगा डेस्कटॉप पे नहीं चलेगा रिमेनिंग लेक्चर्स वी स्मार्ट ऐप पे लाइव होंगे क्या हम उसके लिए भी वर्क कर रहे हैं अगर पॉसिबल हुआ तो उसी के ऊपर लाइव कंटिन्यू कर देंगे वी स्मार्ट ऐप के ऊपर बट हां यूट्यूब के ऊपर ये फ्री में तो अवेलेबल नहीं रहेंगे इतनी बात श्योर sure है ट्रैक एंड रेगुलर बुक अलग अलग है क्या आंसर इज फास्ट ट्रैक और रेगुलर बुक पूरे के पूरे अलग है बिल्कुल अलग है ट्रैक के अंदर में जैसे कि मैंने बताया इट इज एग्जाम ओरिएंटेड और उसके अंदर में जो कंटेंट होता है वो होता पूरा है बट शॉर्ट में दिया होता है डन सर सर ये पूरा ज्ञान नोट करना था क्या नहीं भी क्या होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेट से अगर आपने जो पूरा ज्ञान हम लोगों ने आज लिया वो आपने रह गया होगा तो लो यहां पे नोट्स में आपके लिखा है ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं और आपके नोट्स में ना हो लॉ मेकर लॉ इंप्लीमेंटर लॉ इंटरप्रेटर ये सारी चीजें लिखी हुई है आपने अगर नहीं भी लिखा होगा तो भी यहां पे मिल जाएगा बट मैं कहता हूं मेरे साथ लिखते चलो हर चीज आपको बहुत मजा आएगा डन सर जी हां जो भी लिंक हम ओपन करेंगे गूगल ड्राइव की बोलो या पेन ड्राइव की बोलो या अमेंडेड रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉ क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है मेरी दर्शन सर से बात हुई थी तो शायद ट्वेंटी फिफ्थ से चालू कर रहे हैं वो डन सर मेरे पापा ठीक है क्या जी हाँ मैं खुद भी अभी जा रहा हूँ तुरंत ये लेक्चर खत्म करके मैं तुरंत जाता हूँ आपको कम्युनिकेट करता हूँ चलिए सर इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं खत्म उम्मीद करता हूं आपको आज बहुत मजा आया होगा कल आप और आपके जितने भी दोस्त होंगे उन सभी को लेकर के लाइव सेशन के अंदर में मिलते हैं हम लोग आप अपना पूरा ख्याल रखिए मैं हूं विजय सारडा यू टेक केयर